बसमिल्लाम नमस्ते हैदर, हैदर जागे हुए प्यार और मोहब्बत भरा सलाम खुबो एक और सयाह मगर चमकती हुए रात के साथ राज के दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है खूबसूरत सी रात सदका मुहम्मद वाले मोहम्मद हमें अता कर दी गई है इसलिए उन पर दरूद भेजना इतना ही जरूरी है जितना आपका सांस लेना और दिल की धड़कनों का रफ्तार इसी तरह जारी वारी रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद ये वीकली हॉर्स्कोप है थोड़ा क्विकली हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी टाइम की बजट हो जाए आसानी हो जाए तो हम बिना टाइम ज़ाया किए आप लोगों को लेकर जा रहे हैं आज के सबसे पहले स्टार की जानब और क्या है वीकली हॉर्स्कोप में एरीज़ वालों के लिए एरीज़ वाले ज़ाहिर है काफ़ी अर्से से यही सोच रहे हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ आसान हो जाएं और तब हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए जो सुपर मून हुआ है सुपर मून के साथ ही आप लोग सुपर मैन सुपर वेमेन सुपर गर्ल बन गए हो ये समझ लो कि यहां जो भी कोताहियां जिंदगी में की थी आपने अब वो रिपीट नहीं होंगी यानी कभी कभी दिमाग जो कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स होते हैं लाइक वुडो है मैजिक है किसी ने सिफली कर दिया आपके ब्रेन के अंदर वायरलेस वायरस से ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ होती है वो है अमल वुडो और उसके ज़रिए जो आपकी ताकतें उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और एक खशी की कैफियत होती है देखते हो सब कुछ करने का मन भी करता है लेकिन हिम्मत नहीं होती ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी एक इशारे के मुंतज़र हो ये वाली चीज़ जो है ये अनलॉक हो जाएगी इस हफ़्ते ये एरीज़ वालों के लिए एक बहुत बड़ी नवीद है खुशखबरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपको आगे चल के दोबारा नहीं देखनी पड़ेंगी सिर्फ इस हफ़्ते की हद तक हम बता रहे हैं कारोबारी हजरात हजराजाह जितनी भी खातन हैं हजरात हैं जिन्होंने पैसा लगाया बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये वीक रहने वाला है इसका आगाज़ ही जैसे मंडे स्टार्ट होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि अब न्यू बॉर्न बेबी हो आपको लग रहा है कि हल्के हो रहे हो आपके सब काम एक एक करके आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे जो साथी हैं जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब जिस वक्त प्लानिटैक्स की अगर हम बात करते हैं सुपर मून की एनर्जी के साथ मिलके आपको उठाते हैं नीचे की तरफ नहीं दबाते हैं, तो आपको एक तफ तकवीत गया आपको लगेगा कि आप सुकून शुरू हो गया मंडे आपका नॉर्मली बिजी डे माना जा रहा है लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो 65% परसेंट तक बिज़ी है क्योंकि उसमें आराम और नींद का गलबा भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा किसी के साथ मेल जोल के बाद आप किसी एक ख़ास रिजल्ट पे भी पहुँचने वाले हो जाहिर है अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए परेशान हो तो मंडे एक गोल्डन डे इस हफ्ते में और भी दिन है लेकिन मंडे गोल्डन डे है जिसमें अगर आपने इंतखब कर लिया क्योंकि आज के दिन हम पेपर से कराते हैं या किसी जवाब के मंतजर हैं तो आपको बड़ा अच्छा जवाब मिलने वाला है तो जितने भी हैं उनकी खुद इतमादी में इजाफा होगा जिससे अगर आप स्टूडेंट हो तो बड़ी आसानी से आप कोई भी कोर्स कर सकते हो इम्तहान में कामयाबी हो सकती है किसी एक खास जगह पर जिस भी मुल्क में आप स्कॉलरशिप का सोच रहे हो वहां से खुशखबरी मिल सकती है लेकिन अगर आपने अभी तक ये सारे मामला नहीं किए तो आपको करना बड़ा जरूरी है मंडे के बाद ज़ाहिर है ट्यूसडे को अगर हम जंप करते हैं तो ट्यूसडे को एक ख़ास चीज़ आपके इर्द गिर्द मंडलाएगी वो है लव साइंस मोहब्बत की उरूज और जो जवाल की जो कहानियां उसमें सिर्फ अरूज है लव मैरिज करने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त डे होगा आप लोगों के लिए आसानियां होंगी आसानियां के सेंस में कि अगर आपकी फ़ैमिली या किसी की फ़ैमिली नहीं मान रही और आप काफ़ी अर्से से इंतज़ार में हो तो अचानक ही उनके ख़्यालत चेंज हो जाएंगे एक होप हो जाएगी अगर हंड्रेड परसेंट किसी ने डन नहीं भी किया डिपेंड करता है आप की, जो मैचिंग है वो किसके साथ क्या है हर किसी के लिए हंड्रेड परसेंट नहीं होगा लेकिन ज़ाहिर है तनाव वाली कैफियत ख़त्म हो जाएगी वो लोग जिनके यहाँ रिश्ते नहीं आ रहे तो उन लोगों के लिए भी मंगल के दिन बड़ा अच्छा है बातचीत यानी कहीं गुफ्त शुनी टेलीफ़ोन पर ई के ज़रिए किसी दोस्त बहन सहेली के ज़रिए कोई ना कोई ख़बर आएगी कि बहन जी एक रिश्ता है बहुत अच्छा मूँछे भी ऐसी ओफर की तरफ खड़ी होती है उसकी और जॉब भी अपनी है हैं तो माएँ तो इसी पे पिघल जाएंगी जॉब भी अपनी है मूँछे भी खड़ी होती हैं बस मुँह ही खड़ी हो काफ़ी है लड़की के लिए आजकल क्योंकि रिश्ते अच्छे मिलते नहीं हैं फरिश्ते तो आते नहीं हैं इसलिए बस कुछ ना कुछ तो रोमांटिक चलेगा ऊँचे ऊँचे वाह बा, क्या बात है आप दोनों जो भी रिलेशन में आ, हैं इस वक्त ये फाइनल नहीं है पोजीशन लेकिन ये सितंबर का महीना आपको दो बार और मौके देगा अगर आप लोगों ने अपनी फैमिलीज को कन्वे नहीं किया या नहीं मानते हैं तो फिर ये सात महीने के लिए डिले हो जाएगा फिर आपको लंबा वेट भी करना पड़ सकता है डिपेंड ऑन डेट ऑफ बर्थ परेशानी नहीं होगी मुकदमात में विनिंग पोजीशन दिखाई दे रही है आप लोग अगर अपना घर बदलना चाहो तो घर बदल सकते हो इस हफ्ते मंगल वाले दिन कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी आपको ट्यूसडे जो है ज़ाहिर है बिजी डे है तो इस पर हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें आपके हवाले की जाएं अगर आप जॉब वॉब करते हैं स्विच करना चाहो तो ये हालात भी आपको इतना ज़्यादा मौका देंगे आसानी देगी कि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी ख़ानदानी मामलों में दखल मत कीजिएगा किसी के जतीी मामला में दखल अंदाजी को क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आप इस वक्त उलझने मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए उलझनों से गुरेज करना होगा और सुलझनों की तरफ जाना होगा बुध का दिन वेन आपके रुके हुए कामों को होता हुआ हम देख रहे हैं दे, कारोबारी अफराद के लिए जो भी पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन या ग्राउंड बेसिस पे उनके लिए बहुत अच्छा हाउस के लिए बहुत अच्छा जिन रिलेशनशिप में फूट पड़ चुकी है है तलाक तक नौबत आ चुकी है उनको भी डायलॉग्स का मौका मिलेगा वेनसडे को और आप दोबारा से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के काबिल हो जाएंगे और अच्छी खासी अर्निंग भी दिखाई दे रही है वेनस्डे आप अपना वादा पूरा कर दीजिएगा अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा कर दो वरना आगे चल के कहीं शर्मिंदगी उठाना पड़ सकती है वाले दिन आपका डिप्रेशन परसेंटेज नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा सो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है और यही वो दिन है जिसमें औलाद कंसीव करने के लिए भी आपको पहले से बता

आप लोगों के लिए मुझसे बाहर जाने का साजो सामान बन जाएगा रुपया पैसा बड़ी तेजी से आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है फ्राइडे आपका बड़ा ही सॉलिड डे माना जा रहा है इस दिन सारे के सारे काम जो कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीक वीक के साथ ये जुड़ जाएंगे आपको एक होप होगी कि चलो अगला हफ्ता हमारा बहुत आसान गुजरने वाला है लेकिन फ्राइडे को आपने पेंडिंग काम नहीं छोड़ना है कि चलो अगला हफ्ता आएगा तो देखेंगे इस बहसो तकरार से गुरेज करना है किसी के घर आना जाना हो तो कम से कम बहुत जरूरी हो तो जाइएगा वरना कम रखिएगा बच्चों के मामला जो ताली सरगर्मियां उसका जायजा लेना बहुत जरूरी हो जाएगा सैटरडे आपका एक ख़ास दिन होगा जिसमें आपको छोटे या बड़े सफर दरपेश आ सकते हैं आप लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी से मिलना चाहो मीटिंग करना चाहो तो सैटरडे एक गोल्डन डे आपका होगा यह वो दिन है जिसमें मकान की तब्दीली भी हो सकती है अगर आप चाहो तो और यही वो दिन है जिसमें आप अगले हफ्ते का शेड्यूल बनाओगे कि मुझे कानूनी कार्रवाई बैंक से र्जा लेना है किसी जगह एडमिशन लेना है संडे आप लोगों का फन डे होने वाला है संडे में मेल मिल मिलाप के अलावा घर के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा वर्चा दिखाई दे रहा है जिसके लिए हम आपको आ, ये कहेंगे कि ये खर्चा ना करो तो ज्यादा बेहतर है इसको अगले हफ्ते लेकर चले जाओ वरना एरीज वालों आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे और कहोगे हमारे साथ ये क्या हो गया क्या हो गया तो क्या होने से पहले आप अपना पूरा आ, जायजा ले लो हालात का और हम आपको और जायजा भी लेते हुए बताते हैं कि इस हफ्ते परसेंटेज ऑफ लव क्या रहने वाली है स्क्रीन पे देखो लव रहने वाली है सिक्सटी नाइन परसेंट जो कि अच्छी खासी है और एंग फोर्टी वन है रिलेशनशिप आपका सेवेंटी नाइन है आप लोगों के लिए मनी 68 सॉलिड परसेंटेज आ रही है सेहत एट्टी परसेंट रहेगी रूहानियत 12 परसेंट रहने वाली है आप लोगों की और स्टडी एजुकेशन 71 वन परसेंट यूँ किस्मत यानी लक आपका साथ देने वाली है 48 परसेंट लेडीज़ एंड जेंटलमैन और अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि जी हमारे तस्बीहात क्या हैं तो वो है या नूर हो या गने दोनों तस्वीरें आपको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है सदक़े में बारह रोटियाँ दे सकते हो गोश्त दे सकते हो जानवरों परिंदू या इंसानों को आटा भी दे सकते हो एंड कैश भी दे सकते हो कलर ऑफ़ द वीक एंड ग्रीन ब्लैक एंड रेड ये सारे वो कलर हैं जो पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं रीज़ वालों के लिए और वेलकम करते हैं उन लोगों को जिनका नाम है टर्स। थर्स वाले इंतज़ार ना करें ज़्यादा क्योंकि हम आपको फ़ौर बताने लगे हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा गुजरने वाला है सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो अभी आए हैं वो थम्स अप कर दीजिए लाइक को हिट कर दीजिए बारिश की वजह से मैच तो फ़िलहाल होना नहीं है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हो तो सकता ही है ये सिर्फ इंतज़ार तक ही रहे तो मैच की बजाय आप यहाँ आ सकते हो और देख सकते हो जितना फोकस आप मैच पर कर रहे हो ना अपनी मैच मेकिंग पे कर लो ना काम के साथ उस बंदी या बंदे के साथ जिसके साथ जीवन बिताना है उस जगह के साथ जिस जगह आपको पधारना है या जाना है तो आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी जो मैच खेल रहे हो तो खेल के आ जाएंगे अरे दो मुल्कों की जंग है जंग नहीं भाई खेल है तो आप लोग जिंदगी को खेल मत समझो क्योंकि ये सीरियस नोट पे इस वक्त आपके स्टार्स आगे की तरफ जा रहे हैं सुपर मून इज नॉट जस्ट सुपर मून ये आप लोगों की ज़िंदगी में सुपर डेंजर जोन में भी लेकर आएगा सुपर आसानियां भी लेकर आएगा तो ये किस किस के लिए है ये चीज़ें आप लोगों को देखना आ, आसान हो जाएगा ठीक है चलिए मैं मेरे लिए कोई मैसेज मत लिखिएगा मेरी टीम यहाँ पे देख रही है वही ही पड़ेगी मैं मैसेज इस वजह से नहीं देख रहा हूँ कि जब तक सुपर चैट नहीं आती है मैं मैसेज नहीं देखता हूँ थोड़ा सवाल हो आप लोगों के लिए इस हफ़्ते की शुरुआत जो है आप तवज्जो का मरकज़ रहेंगे लोगों की जो भी ख़ास चीज़ें हैं आ, कि आप क्या कर रहे हो आपके पीछे आ, वैसे बज़ाहिर आपको लगेगा नहीं कि कोई आपकी टो तो ले रहा है लेकिन ये टो लेते लेते रहेंगे फ्यूचर में भी अभी लेकिन आपको पता चल जाएगा कुछ लोग आपकी तारीफ करते हुए भी दिखाई देंगे लेकिन शायद उनका कोई काम फंसा होगा और अगर वो उधार उधार मांग लें या कोई ऐसा काम कह दें जो कि आपके लिए अभी करना पॉसिबल नहीं है तो स्टेट फॉरवर्ड आपको जवाब देना होगा पेशा वारा सरगर्मियाँ आपकी उरूज पे रहेंगी बिजनेस मीटिंग्स और बिजनेस में जो भी काम रुके हैं फाइनेंशियल इश्यूज आपके अगर रुक गए हैं कहीं पैसा नहीं आ रहा तो आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार वीक होने वाला है मंडे को कारोबारी जिंदगी बहुत फास्ट रहेगी अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको थोड़ी सी नवी थोड़ी सी ये थर्टी है लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में भी आपको ट्वेल्थ तक प्रॉफिट होगा जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं कि हमें डॉलर परचेज करने हैं और गोल्ड मैं इन्वेस्टमेंट करनी उन लोगों को होल्ड रखना होगा क्योंकि अभी ये नेक्स्ट वीक जो आएगा इस वीक के बाद वहां पे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी कि बाय करने वाला वीक है या सेल करने वाला आप लोग लैंड एंड प्रॉपर्टी सेल एंड बाय की पोजिशन में प्रॉफिट हासिल कर सकते हो मंडे आपका बिजी डे इसी वजह से है कि अगर स्कॉलरशिप के लिए आप पहल करना चाह रहे हो किसी मुल्क में वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये गोल्डन डे शुमार होता है ये उन लोगों के लिए भी है जो इलाज मालजा कराना चाह रहे हैं ट्यूसडे आप लोगों की जिंदगी में एक खास डे है जिसमें आप थकावट महसूस कर रहे थे तो वो सारी थकावट दूर हो जाएगी कोई खुशखबरी मिल सकती है को रुका हुआ काम ट्यूसडे को हो सकता है आप लोगों के जितने भी मामला अदालतों में फंसे हैं वहां से कोई खुशखबरी मिल सकती है यानी मजीद आगे नहीं जाएगा खास तौर पर ट्यूजडे रिलेशनशिप गेम को ऑन करने का डे है यानी अगर आपकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कोई पंगा चल रहा है ना चल रहा हो तो फिर वाइफ हस्बैंड कैसे लेकिन अगर कोई पंगा चल रहा है तो पंगा इज नॉट चंगा आप लोग डायलॉग के जरिए एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हो वरना यह याद रखना कि अगर मंगल वाला दिन आपने मिस कर दिया तो सुपर मून का साइड इफेक्ट आपके इस रिलेशनशिप को दूर कर सकता है अगर तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, तो सेप्रेशन जरूर हो जाएगी जिसके बाद बहुत सारे मौाक़े आप देते हो देखो एक बात याद रखो ये जो रिलेशनशिप की गेम होती है ना ये दो तरफा है दो धारी तलवार होती है किसी एक के ऊपर अगर आप पूरे का पूरा तकिया करके बैठ जाओगे कि सारा वही करेगा तो ऐसा नहीं होता कभी कभी होता है कि किसी एक को मोहब्बत बहुत होती है और किसी एक को श गुस्सा आता है ये जो गुस्से वाली चीज़ है इसीलिए गु़स्सा शैतान का हथियार कहा गया कि गुस्सा शैतान की तरफ से आता है अल्लाह की तरफ से आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा इश्क आएगा मोहब्बत आएगी उनसीयत आएगी वफ़ा आएगी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो रब की तरफ से आती है तो जो भी खामियाँ हैं उसको आप क्लीन करने की कोशिश करो कभी कभी ये होता है देखो जिंदगी में बड़े बड़े वाक्यात होते हैं मियाँ बीवी हैं मोहब्बत करने वाले हैं दोस्त हैं सहेलियाँ हैं कुछ भी है कभी कभी इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाएंगी कि आप लोगों के बीच में जुदाई नहीं होगी फिर एक दूसरे को मुंह लगा लोगे और बोलोगे ओके क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है लेकिन जो जिंदगी में अलहदगियाँ होती हैं ना वो किसी बड़ी बात पर नहीं होती उसकी अंदर की अगर आप पाताल में उतर जाओ तो एक छोटी सी चीज़ होती है यानी एक छोटी सी बात होगी कि तो तुमने ये यह यहाँ क्यों कर दिया ये रख दिया वो कर दिया उस बात के अंदर फिर पुरानी बातें इन्वॉल्व होंगी गुस्सा तो पुराना चल रहा था लेकिन एक हल्की सी आहट आपकी लाइफ की चिन्मन को फाड़ फूड़ सकती है इसलिए आप अंदर जितना भी कुछ पल रहा है वो डिस्कस कर लिया करो पहले तो इस चीज़ को ही मारने की कोशिश करो कि मोहब्बतों में गुस्से ये जो कहते हैं लड़ाई बढ़ती है मोहब्बत बढ़ती है या ऐसी धक्या नोसी अपने आप को मरहम लगाने वाली बात है कि जिस झगड़े के बाद मोहब्बत बढ़ जाती है वो डेफ़िनेटली आपका वो जो एक गैप आया होता है उसके बाद फिर से मोहब्बत होती है या सुलह सफाई होती है तो आपको लगता है चलो आप सॉलिड है तो प्लीज़ इस गुस्से को इस एंगर को जो शैतान का हथियार है इसको दूर रखो इन्होंने बड़ी बड़ी जिंदगियां चाटी हैं आपको मैं एक सर्वे के मुताबिक बताता हूं कि 2021 में जो मतलब केसेस फाइल हुए जो स्ट्रॉलोजी के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं जो तसवुफ वाले लोगों ने पूरे का पूरा निचोड़ निकाला है एक अंदाजे के मुताबिक साढ़े लाख लोगों की तलाक सिर्फ एक छोटी सी बात पर हुई है और बाद में वो पछताए है और तकरीबन वन मिलियन के ऊपर वो लोग हैं जिनके ब्रेकअप हुए हैं ये शादी नहीं हुई थी ब्रेकअप हुए किस वजह से एक मामूली सी बात यानी आपका ईगो या किसी और का ईगो अब ये 2022 में वो जो ईगो वाली शराह है वो है फाइव मिलियन फाइव मिलियन पूरी दुनिया में जितने लोगों के आप वो मुल्कों में देखते हो ना तलाक की शरा क्या रही तो फाइव मिलियन ब्रेकअप्स ये बहुत बड़ी तादाद है अब 2023 अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो अभी सेवन मिलियन के करीब दुनिया में डिवोर्सेज हो चुकी हैं और दुनिया में ब्रेकअप हो चुके हैं अब ये क्यों बढ़ता जा रहा है इसलिए कि सब्र खत्म हो रहा है तो आपको एक ही चीज़ है स्प्रोशली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना नॉट ओनली टॉरस के लिए बात नहीं कर रहा मैं जर्नर सबके लिए बात कर रहा हूं जारी रखनी है वो जो जंग है वो आपके अंदर का जो इंसान है जैसे जमीर कहते हो या फिर नफ्सा मारा कहते हो कुछ भी कहते हो उसको जीतने मत देना अगर जमीर मुर्दा हो चुका है तो वह आपको गलत काम करने का कहेगा जीतना है हम सबको किसी ना किसी एक जगह तक पहुंचने के लिए बाय हुक बाक बाख वाला काम नहीं करना रजाए इलाही शामिल करो अपनी स्ट्रगल और बर्दाश्त ये दो चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से ज़बरदस्त बना देंगे ट्यूजडे आपका जाहिर है बहुत सारी चीज़ों को काबू करने का दिन है बुध वाला दिन मेल मिलाप किसी जगह पर जॉब स्विच करने वाली आपकी शनाख्त को बढ़ाने वाली यानी मीडिया सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में या किसी ऐसी फील्ड में जिसमें आप नाम चाहते हो तो टॉरस वालों का नाम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगेंगे और रुपए पैसे कमाने के नए मौाक़े मिलेंगे आप लोगों को बुध के दिन ही किसी के साथ मेल मिलाप या किसी नए इंसान के साथ बातचीत आपके काम को और मज़ीद ऊपर की तरफ लेकर जाएगी लेकिन स्टार्स कह रहे हैं कि बहुत लॉन्ग रिलेशन नहीं रखना वो चमकता हुआ चांद नहीं होगा वो सोना नहीं होगा वो शराब होगा तो उतना ही निचोड़ो जितना कि आपके काम आ सकता है आगे चलते हैं अगर हम थर्सडे में तो शदीद किस्म की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हुए दिखाई दे रहे हो यानी जिसके साथ आप प्यार करो एक ही शख्स से कई बार प्यार हो जाता उनकी छोटी छोटी बातों से प्यार हो जाता तो ये वो वाली सिचुएशन है जो टॉरस वालों को एक बार फिर अपने हिसार में लेने की कोशिश करेगी और महबूब के जुल्फों अगर गंजा है तो कोई बात नहीं कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है चांद के सर पे कभी बाल हुआ करते हैं और मेरे चांद तो बोल देते हैं लेकिन हम दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन कोई बात नहीं है आप लोगों के लिए ये डेज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं लॉटरी से दूर रहना है आपको ये हम कह रहे हैं टॉर्स वालों कोई भी बड़ी गैम्बलिंग आपको नहीं करनी है पूरा हफ़्ता ज़ाहिर है जहां मसरूफ़ है वहां थर्सडे में कुछ चीज़ें हैं जो जिनसे आप चश्मपोशी कर रहे थे आंखें बंद किए हुए थे ये मज़ीद परेशानियों का बायस इस तरह खुल के आप बात कर सकते हो उनको फाइट करो उनका इजहार करो जो लोग उससे मुतलका है उनके साथ भी आप बातचीत कर सकते हो शादीशुदा जो हमारी ख़ात हैं उन लोगों की रिलेशन में एक नया दौर शुरू हो जाएगा और ये बेस्ट है ग़लत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी आपके रिलेशन बहुत स्ट्रॉग हो जाएंगे गुफ्तु करते हुए फ्राइडे को बहुत ख्याल रखना है आपने वरना आपकी किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है और उस पड़ोस से कोई भी मदद मांग सकता है अगर करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन रिटर्न पॉलिसी उधार की इसमें दिखाई नहीं दे रही है बैंक के मामलात पासपोर्ट आईडी कार्ड या कानूनी उलझनों के लिए आपका फ्राइडे एक खूबसूरत दिन है और इसमें औलाद को कंसीव करने का डे भी बताया जा रहा है कि अगर आप प्लान करते हो तो बहुत ही अच्छा डे है सैटरडे पर कानूनी कार्रवाइयाँ वगैरह जो भी हो रही हैं वो आपको जवाब नहीं मिलेगा आप खामोश हो जाओगे क्योंकि वो पेंडिंग में चला जाएगा इसलिए आपका मिजाज थोड़ा सा भरम हो सकता है इसलिए आपको अपनी फैमिली के साथ या अकेले अगर रहते हो तो कहीं बाहर आउटिंग पे खाने पीने के लिए आपको जाना बड़ा ज़रूरी है वरना आप लोग डिप्रेशन मोड ऑन करके आधा सर जो दर्द होता है दर्द शकी का उसकी तरफ भी आप जा सकते हो संडे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लोगों के साथ मेल मिलाप होगा संडे फारे डे नहीं है बहुत बिजी डे ऑनलाइन आप कुछ चेक कर रहे हो ऑनलाइन आप पेपर वर्क कर रहे हो क्योंकि मंडे आपका इंतई बिजी डे होने वाला है इसलिए संडे को आपकी जितनी भी कोशिशें रायगा गई नहीं आज तक उनको आप रायगां जाने की नौबत तक पहुंचाने की भी कोशिश मत करना क्योंकि ये वो दिन है जिसमें आपकी पूरी जिंदगी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है तोर्स वालों आप लोगों की जिंदगी कहाँ से कहाँ जाएगी लव पोजीशन रहने वाली है 66 आप लोगों का एंगर है 32% आप लोगों का रिलेशनशिप 75 मनी 73 वाओ बॉन्स अभी तो स्टे और हेल्थ कितनी है देख लो रूहानियत उन्नीस परसेंट स्टडी एंड एजुकेशन एटी एट और यू किस्मत आपका साथ देगी फिफ्टी वन परसेंट और सदका है आप लोगों का या हाथ यू या मालिकुल मुल्क ये दोनों तस्वीर आपको पढ़नी है सदका शुगर दे सकते हो हजब तोफीक अगर आपकी रेंज में है तो राइस कुक्ड और अनकुक्ड बाजरा परिंदों के लिए और कैश आप दे सकते हो और कलर ऑफ द वीक है वाइट ग्रे एंड पिंक लेडीज मैन चार्स वालों के लिए बस ऑफ लक कह देते हैं और इनके बाद आने वाले हैं हमारे प्यारे चूजे जान जो कि इंतज़ार में होते हैं जो हमारे बारे में भी कुछ बता दीजिए आपके बारे में तो मैं जरा अपनी पट्टियाँ खींच लूँ भाई साहब एक तो ये फैशन नो आगे लग जाए जो भी चीजें आ रही होती हैं आप एक लेते हो तो दस हजार और चीजें आ जाती हैं हम पहन पहन के थक जाते हैं वो बना बना के नहीं थकते चिंकी लेकिन चलो ठीक है <laughs> कुछ चीजें बड़ी पट्टी इतनी बड़ी कैसे बंदा इस नाड़ा भी बढ़ा है सकता बुरा टाइम हो तो यहाँ से काट के लड़कियाँ अपना रिबन भी बना सकती हैं खामिन ज़्यादा बात करें तो आप उसका मुँह भी बंद कर सकते हैं मतलब इससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं बकरा ईद आ जाए तो बकरे के गले पर आकर उन्होंने छेंक भी सकते हो तुम तो और भी काफ़ी सारे काम हैं लेकिन फिलहाल तो अपनी शर्ट का मजाक बनाने के लिए न ही आया हूँ मैं मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आप लोग हमारे कितने मोहतरम हैं कितने अजीज़ हैं हमें तो हम नहीं चाहते कि आपको ज्यादा इंतजार करना पड़े लेकर चलते हैं आपको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं फ्लेवर सर जमीने मोहब्बत का भी देंगे ताकि आप लोगों की जिंदगी आसान रहे ए मेरी सोच के महवर तुम अपने सारे दुख रो लो समझ लो मुझको चारागर तुम अपने सारे दुख रो लो उसे तुम मशवरा समझो या मेरा तजर्बा समझो जो दिल हो जाएगा पत्थर तुम अपने सारे दुख रो लो मुझे खामोश यशकों से बहुत ही खौफ आता है न रखो आंख यूं बंजर तुम अपने सारे दुख रो लो तुम्हें इसकी खबर होगी एक दिन खून रुलाएगा भुलाकर खाप का पैकर तुम अपने सभी दुख रो लो मेरी जहा ये नहीं सोचो समेटूंगा उन्हें कैसे मेरे शाने पे सर रख के तुम अपने सारे दुख रो लो सुना है उसकी आंखों में तुम्हारे जख्म खिलते हैं तुम्हें कहता है जो अक्सर तुम अपने सारे दुख रो लो सुनो ना मेहरबा आंखें तुम्हें ऐसे ही देखेंगी नहीं बदलेगा ये मंजर तुम अपने सारे दुख रो लो अगर यूं अश्क रोने से अना पे चोट पड़ती है हंसी की ओण के चादर तुम अपने सारे दुख रो लो बता देना ये मेरा दिल तुम्हारे गम से बोझल है उसे कहना ये नामा बर तुम अपने सारे दुख रो लो तो इंतजार किस चीज का है रो लो अपने सारे दुख कभी कभी आंसू बड़े जरूरी होते हैं जब आप किसी के इश्क में बर्बाद होते हैं तो ये आंसू उसको बहा के ले जाते हैं तो बह जाने अगर इश्क सच्चा है तो फिर रह जाने दो इश्क है सिर्फ इश्क और जमन आए वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किसी भी काम में उलझे हुए हों मोहब्बत से आगे इनके लिए कुछ नहीं होता है इसीलिए मरकर ईसु पर बोन के साथ मिलके एक बवाल खड़ा कर रहा है जो कि बड़ा बेहतर है आपकी जिंदगी आप बैलेंस होने वाली है पहले मतलब झटके ले लेके एक साइड पे बैलेंस नहीं था लेकिन अभी तो बरकरार होने वाली सिचुएशन बन चुकी है ये पूरा हफ्ता जो है आपके मध्य मुकाबल कोई भी आएगा वो रौंदा जाएगा बिकॉज इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रही है आपको काम काज से भरपूर है ट्रेवल है सफर है थकावट है आराम है नींद है भूख लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपको ही प्लान करनी है कौन सी चीज़ को कितना टाइम देना है ये सब प्लानिंग से चलेगा ये हफ्ता आप लोगों के लिए संगे मील साबित होगा जो भी प्लान करने वाले हो जम आए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपने जितने भी रुके हुए काम हैं उनकी प्लानिंग करके आप एक बहुत बड़ी खुशखबरी हासिल कर सकते हो मंडे की अगर हम बात करें तो ज़रूरी कामों को तरजीह देनी है जो भी आप समझते हो कि सबसे पहले इनका होना बड़ा ज़रूरी है अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार ये अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मुल्क से बाहर जाने के लिए अभी हम पेंडिंग कर देते हैं तो ये गलती करोगे अगर वो लोग जिनको बाहर जाने की जरूरत है वीज़े की जरूरत है सेटल होने की ज़रूरत है तो इन चीज़ों को डिले नहीं करना है आपने आप लोग कंसीव करने वाले जितने भी पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन डे है मंडे ये स्टूडेंट्स के लिए भी गोल्डन डे इसलिए माना जा रहा है कि रिजल्ट का इंतजार है तो मंडे को आपको एक खुशखबरी मिल सकती है अगर आप स्कॉलरशिप के लिए परेशान हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं सिर्फ उन पे इन्वेस्टमेंट करनी है मंडे को ज़्यादा चीज़ों में अगर जाओगे कि ओवर बजट हो जाए हमने काफ़ी सारे खर्चे वर्चे करने हैं क्योंकि इस वीक के बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें काफ़ी अखराजा दिखाई दे रहे हैं इसलिए ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों के लिए ग्राउंड बेसिस पर जो भी हवाई रोज़ी कमाने वाले हैं उन लोगों को सोच समझ के खर्च करना है ट्यूसडे यानी मंगल वाले दिन आपको परवरदिगार की तरफ से रूहानी ताकत मिलेगी ख़्वाब के ज़रिए कुछ ख़ास नवीद दी जाएगी कुछ रास्तों का पूरा जो आप गिनती का शुमार कर रहे हो ये करना है वो करना वो खुद ब खुद एक सबब बनाने वाला ख्वाब परवरदिगार की तरफ से आएगा ताबीर ना पता हो तो स्क्रीन पर लिखा दिवराज डॉट कॉम मेरी लाइव स्ट्रीम में आ सकते हो वरना ई दिवरा के ज़रिए फिक्स मीटिंग करो और अपने बारे में आप जान सकते हो एक बार डेस्टिनेशन का पता चल जाए खराबी कहाँ है उसके बाद भागना बड़ा आसान होता है लेकिन अगर आप कंफ्यूज माइंड को लेकर चलोगे तो इतना स्टक हो जाओगे कि आपको यही नहीं पता होगा कि अब भागे हमने स्टेप लेना क्या है रिलेशनशिप है मोहब्बत है काम काज है सफ़र है सब चीज़ें और ये चार पांच चीज़ें ही हैं जो हमारी ज़िंदगी में सबसे अहमियत के हामिल होती हैं इन में अगर हम अपने जज्बात को ठोंस देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्लानिंग करनी है आपको ट्यूज़डे आप लोगों के इलाज मालजे के लिए ख़ास दिन है मकान की तब्दीली के लिए बहुत ख़ास दिन है किसी जगह एडमिशन ले रहे हो जॉब स्विच कर रहे हो तो डे है ट्यूसडे मंगल वाला ख्याल को दूसरों तक मुंतकल करने का एक अच्छा डे है अगर आपको किसी जगह नौकरी लेनी है तभी आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो वेन्सडे आपके इंतजार को खत्म करने के लिए परवरदिगार ने भेजा है डे थोड़ा स्लो जरूर है लेकिन ये बाकी वीक में सबसे ज़्यादा पावरफुल डे एक तो आपका लकी डे दूसरा इस दिन मरकरी की पोजीशन जो है वो आप लोगों को फाइनेंशियली एंड इमोशनली यानी लव रोमांस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉग कर देगी अगर किसी की तलाक वलाक होने वाली है तो वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा अब तो ज़्यादा इंतज़ार ना ही करना पड़ेगा आप लोगों का नया जो दौर शुरू होने वाला है नए दौर से मतलब समझते हो ये जो रिलेशनशिप तलाक वलाक का सिलसिला ख़त्म होने वाला का मतलब ये होता है कि आप लोगों का न्यू रिलेशनशिप चाहे कोई भी है वो न्यू रिलेशनशिप न्यू लाइफ की बात कर रहे हैं अच्छा ये रीमैरी करना चाहो रीलव करना चाहो जो भी री में जाना चाहो तो आप लोगों के लिए साथ होगा लेकिन फिलहाल इस रिलेशन के सारे पन्ने आपने फाड़ने नहीं हैं क्योंकि कानूनी तौर पे अभी आप इतने इस्ट्रॉन्ग नहीं हो इसलिए आपको हर चीज़ को दफ्तरी मामला को दफ्तर तक नहीं रखना उसको घर भी लेकर आना है डिस्कस करना है किसी ऐसे प्यारे से दोस्त से वाइफ से हस्बैंड से जो आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके थर्सडे वंडरफुल डे है आप लोगों के वीज़ा इमिग्रेशन सबमिट करने के लिए कागजात जमा कराने के लिए आपका कोई भी पेपर वर्क रुका है चाहे वो पासपोर्ट आई का है बैंक का है तो ये मामला भी आपको बड़ी खुशी से निभाने होंगे रिजल्ट निकल आएगा तो पास हो जाओगे वीज़ा इमिग्रेशन के पेपर का इंतजार है तो वीज़ा लग के आएगा और फ़ौर ही आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो तजे तो आप लोगों के मनपसंद जगहों पर रिश्तों के लिए बड़ा अहम है कोई आपकी खामियाँ भी गिनवा सकता है ये याद रखना आप लोगों को बहुत शदीद किस्म का गुस्सा भी आ सकता है इसलिए आपने कंट्रोल करना है ये जो डे है इसमें सब्र करने वालों को अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास इनाम दिया जाएगा आप लोगों ने अगर स्टॉक मार्केट या किसी ऐसी चीज़ में पैसा लगाया जिसका रेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं इंक्लूडिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी गोल्ड क्रिप्टो करेंसी तो इसमें भी परसेंटेज थोड़ी सी हाई होती हुई दिखाई दे रही है और किसी नए शख्स के साथ हेलो एंड हाई होती हुई भी दिखाई दे रही है वो खातान जिनको अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा फिक्र है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जाहिर है आपको पता है कि जमनाए पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है जब मैं ना पाईसन लिब्रा ये तीन स्टार्स हैं जिनकी स्किन के ऊपर पिम्पल क्योंकि इनकी परेशानियों से निकलती है जितना भी सर्वे हुआ है दुनिया में वो ये कहते हैं कि ये जवानी की निशानी नहीं है कि पिम्पल्स निकल रहे हैं आप बुढ़ापे में भी अगर होंगे तो कहीं ना कहीं अचानक पिम्पल आएंगे ऑयली स्किन वो वो चीज़ें मुझे भी पता है भाई लेकिन जब जो, जो बड़े कह रहे हैं हमें तो मानना पड़ेगा ना कि ये परेशानियों की वजह से होता तो ऐसे लोगों को परेशानी कौन देता है उनसे दूर रहो अगर आप लोग खुद से हर चीज को बहुत सीरियस ले रहे हो तो थोड़े से डिप्लोमेट हो जाओ काम ठीक हो जाएगा फ्राइडे आप लोगों के लिए छोटे और बड़े सफर की अरेंजमेंट का डे है इसमें गैर शादी शुदा लोगों के लिए ऑसम है किसी का रिश्ता आ सकता है और जाहिर है बहुत ही लॉन्ग टर्म चलने वाला है सेवेंटी तक ये मैच हो जाएगा फैमिली आउट ऑफ फैमिली है जिनसे आप मोहब्बत करते हो उन लोगों के लिए मम्मी को कहो चाय पे बुला लो भले पत्ती महंगी चीनी महंगी पेट्रोल महंगा बंदा पेट्रोल तो बंदे लेकिन तुसी कर दो कुछ ना कुछ यही चीनी पत्ती आ, आलू प्याज मांगा करेंगे वो ये नहीं कहेंगे सामू सोना दे, दे हो। मतलब बहुत महंगाई हो रही है इसी वजह से अब ये महंगाई कहां जाके रुकेगी दो हजार तेईस इसका एंड नहीं है ये याद रखना दो हजार चौबीस इसका एंड नहीं है अब ये जो झटका लगेगा ये 2027 में आके एक स्टॉप लगेगा जिसको आपका ओ बहुत खुशहाली का साल है वो आप लोग इससे बहुत नीचे जा चुके होंगे जबकि खुशहाली का साल होगा चलो वो तो अगली कहानियां तो बाद में बताएंगे कि कितना इजाफी बोझ पड़ने वाला है लेकिन फ्राइडे आप लोगों का एक बहुत मज़ेदार दिन है इस दिन आपको आउटिंग भी थोड़ी सी अगर करने का मौका मिल रहा है लाइक वन आवर भी मिल रहा है कहीं अच्छी जगह पर बैठ के चाय खाना में चाय पीने का तो ये आपको रिलैक्स कर देगा वरना स्ट्रेस लेवल जितनी तेज़ी से आपका और किसी का भी नहीं बढ़ा अगर कोई नया कोर्स करना चाहते हो तो सैटरडे को प्लान करो ब्यूटी का कोई कोर्स करना चाह रहे हो आप अगर, अगर अपनी सहेली अपने दोस्त के साथ किसी जगह जाने का प्लान कर रहे हो आप लोगों को बेहतरीन दिन है इलाज मालिये के लिए बहुत अच्छा दिन है अगर आप लोगों को स्किन की डिजीजान कर सकती है पोजिशन पर आ जाएगा और बहुत बेहतर हो जाएगा संडे आप लोगों के लिए रिलैक्स डे बिल्कुल नहीं है संडे को आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फाइनेंशियल इश्यूज़ को कवर करने वाली पूरी एक लिस्ट बना लो मैम उजमें डाल दो कि आपको क्या क्या करना इस दिन आप डिस्कशन कर सकते हो कोई मेहमान बिन बुलाए आपके घर आ सकता है या आप किसी के घर बिन बुलाए जा सकते हो मतलब तुम पहुँच तो कौन रोकेगा लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि अपनी वो जो सीक्रेट्स हैं वो संडे को बिल्कुल आउट नहीं करनी है वरना आप आउट हो जाओगे याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए तो आप लोग प्लीज थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारियों को समझो और जो हम कह रहे हैं उसको अपना दोस्त बना के आगे चलो हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए ही कह रहे हैं जमना तो आपको बता रहे हैं कि डे कैसा गुजरने वाला अल्लाह परसेंटेज है आप लोगों की सेवन एंगर है 47, हेल्थ एटी फाइव है रूहानियत बाईस परसेंट स्टडी सिक्सटी सिक्स प्रसेंट लक है 58 परसेंट आपकी और ये बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है जमनाए आप लोगों को जो जो तस्बिया पढ़नी है वो है या फू या बर्रो आटा सदके में दे सकते हो पांच मौसमी फल दे सकते हो आप सूजी सूजी का हलवा दे सकते हो और कैश भी दे सकते हो अजबे तोफीक कलर ऑफ द वीक है ब्लैक ब्लू एंड यलो ये पहनोगे मेरे लो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सब आपको करेंगे हेलो हेलो और जमना वह द ग्रेटेस्ट पीपल ऑन अर्थ सरथान ऐसे सरतान क्यों चलते हैं ये लोग इसीलिए इनका नाम सरतान है वो कैंसर वाले सरतान नहीं है आह ही लोगों ने मशहूर कर देता है निशानकड़ा दूसरा कहते हैं कैंसर ओ नहीं भाई ये कोई और सब इसके बारे में ये नाम क्यों रखे गए कैसे रखे गए डायरेक्ट ट्रांसलेट करके इनके ओरिजिनल नाम क्या थे हमने पहले आपको एक पूरे प्रोग्राम में बताया तो दोबारा से अगर आपकी बुरज़ोर इस फरमाइश होगी तो हम पूरा एक शो कर सकते हैं कि कैंसर वालों को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना आम, एक सुबह चैट हल्की सी हमारी नजर से गुजरे हुई हैं कैनेडा से इन्होंने फोर्टी डॉलर भेजे हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच अली सलामत रही ताला, ताला आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे और आपको बहुत कुछ अपने खजाना खास से दे दुनिया राख रख दोनों सबर जाए थैंक यू फॉर फोर्टीन डॉलर मोर सुप चैट के इंतजार में हम लोग इस वक्त जो जो लाइव देख रहे हैं वो बारिश को इस वक्त बुरी नजरों से देख रहे अच्छा खुद तुम कहते हो बीग मुस्लिम कि बरान रहमत है आज बरान रहमत ने की कर देता थोड़े तो मिजाज खराब क्यों और ये क्यों हुआ मैच नहीं हुआ शुक्र करो कभी कभी पर्दे भी रखती है ये बारिश हाँ अगली गल तुझे तो समझ गए उड़े हो जितना हार्ड टास्क दे दिया ना इंडिया ने पाकिस्तान वालों के बॉलर अच्छे हैं बैट्समैन कितने अच्छे हैं लग पता जाएगा चलो करो फिर दुआ के बारिश खत्म हो पार्टी भी अरमाना थे पानी फिरे चलो बारह दुआ करते हैं कि दोनों जहाँ खुश रहें जी मैच बराबर ही हो जाए मतलब हम नहीं चाहते कि किसी एक के लिए भी बुरा वक्त आए मैं तो बराबरी का उसूल पे चलने वाला हूँ क्योंकि जो सरतान है ये मुझसे भी ज़्यादा बराबरी के उसूलों पे अमल करते हैं देखो सबसे पहले जितने भी कैंसरियन हैं आपको दोबारा ज़िंदगी मिलने वाली है दोबारा ज़िंदगी कैसे मिलेगी जो जो लोग बर्बाद हो चुके हैं जो जो लोग बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं जिनको लग नहीं रहा कि यार ये साल भी वैसा ही हमें मेहनत करनी है वैसे ही लोगों के साथ पाला पड़ना ना 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 ये हफ्ता सुपर मून के साथ जुड़ने के बाद आपकी सुपर लाइफ को बूस्ट कर रहा है सो कॉन्ग्रेचुलेशन so, मेरे प्यारे कैंसिंस आप लोगों का सफ़र का सिलसिला शुरू हो जाएगा मंडे से मंडे एक ऐसा दिन है जिसमें आप अगर किसी के साथ गुफ्त शुनीद करोगे चाहे आपकी जॉब है चाहे आपका बिजनेस है आप लोग बात करोगे तो परवान चढ़ोगे इज्जत तो और शोहरत का मकाम जो है अभी थर्टी सेवन परसेंट है और ये फिफ्टी नाइन परसेंट तक आ जाएगा अच्छा ये एक हफ्ते का नहीं है इस साल के आखिर तक का है यानी डबल से थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो गेम ऑन समझ लो इस हफ्ते बहुत सारे फैसले आपको करने पड़ सकते हैं सुस्त रवि से मत चलो कुछ चीजें हैं जिनको आपने फॉलो अप करना मतलब एक है ना कि आपने बात किसी के कान में डाल दी उन्होंने कह दिया ओके और आपने कहा ठीक है अब हम काम शुरू करते हैं ना ना ऐसा नहीं आपको हर हफ्ते हाई हेलो ऑन रखनी है ताकि ये वाले जो स्टार्स हैं जो बहुत नीचे ले जा रहे हैं देखो कंपटीशन का दौर है हर किसी की कीमत है हर कोई बोली लगाता है आपने को बहुत अच्छा डील कर ली किसी के साथ सबमिट कर दिया कारोबार के लिए या अपने नाम के लिए आपसे बढ़िया अगर कोई चीज़ किसी को लगेगी तो उसको पेंडिंग में डालेंगे आप नहीं अपने प्यारे अल्फाज से क्योंकि अल्फाजों के तो गुरु होते ही हो ना आप कैसे लफ्ज़ों का जाल बना के फांसते हो से मुराद मतलब कितना दो लोगों को अपने हाथ में कर सकते हो वो मीठा बोल आपके इख्तियार में है लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ आप लोगों ने अपने उस दमा को जो सोच को सोच की जादूगरी है वो काफ़ी अरसे से मांद पड़ी है हफ्ता उसको ओपन करना है याददाश्त अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट्स की भी बुजुर्गों की भी और सब लोगों की इसलिए आपका मंडे बहुत अच्छा डे है ट्यूजडे आप लोगों के रुके हुए कामों को होते हुए हम देख रहे हैं अगर मकान की तब्दीली के लिए कहीं ना कहीं अंदर चुल चल रही है तो हो सकता है कभी भी हमें तब्दील करना पड़ जाए तो प्लीज आप लोगों को अभी से हम मशवरा दे रहे हैं कि आप लोग शुरू कर दो क्योंकि ये तब्दीली हो जाएगी आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती और इससे बेहतर आपको पोजीशन नहीं मिलेगी सितारों की प्लान करो या फिर पूरे का पूरा आप हजरत कर जाओ ये वाला वीक ये वाले डेज आपकी ज़िंदगी के बड़े ख़ास डेज हैं ट्यूसडे आप लोगों को कंसीव करने के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत बेहतरीन डे बताया जा रहा है इलाज मालजे के लिए इस दिन को बड़ा अहमियत वाला हम समझते हैं वनस्डे की अगर हम बात करेंगे तो वनस्डे आप लोगों का एक ख़ास डे है जिसमें सुस्ती महसूस करोगे भूख ज़्यादा लगेगी नींद ज्यादा आएगी काम को मन नहीं करेगा लेकिन यही वो डे है जो इन चीजों से फाइट करते हुए आप उस जगह को छू सकते हो जहां से आगे जीत है और जीत वाली चीजें सारी की सारी आपके अंदर मौजूद है ये वो दिन है जिसमें आपका प्यार बढ़ेगा आय हाय मेरे दो अनमोल रतन बढ़ेंगे अब ब, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की परसेंटेज ऑफ लव इतनी ही क्यों बढ़े जा रही है लेकिन वो गैर शादीशुदा एंड शादीशुदा भी मतलब हूँ किसी नो नसीहत नहीं कर सकता नवताची तो वो सारे के सारे जो इस मोहब्बत की <laughs> <में> कहने लगा <laughs> इन पोशीदा मोहब्बत के अमराज का शिकार है उन लोगों की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी सिंपल यार आसान लफ्जों में बता रहे हैं आप लोग रिश्ते रिश्ते के लिए प्लानिंग कर लो बहुत अच्छा सा कहीं से आपको एक खानदान मिल सकता है आप लोग हिजरत कर सकते हो किसी और मुल्क में वैसे कोशिश ये करो कि आप लोग अगर, अगर अपनी जगह पर सेटल हो तो ओके यहीं पर रहना है क्योंकि टू ईयर्स के बाद जिस मकान पर अभी हो उसी में आपकी बूस्टिंग दिखाई दे रही है लेकिन अगर आपको लग रहा है सब तरफ से रस्ते बंद है हमारे लिए ये इनफ मनी नहीं है हमारे लिए ये नाम इनफ नहीं है तो फौरन तुरंत आपको हजरत करनी होगी किसी और सिटी किसी और कंट्री आपके लिए बुध का दिन राबता साजी का डे है लोगों के साथ तल्लक़ बढ़ाओ आप लोग एक दूसरे के साथ सफ़र पे जा सकते हो खाने पे जा सकते हो किसी पार्टी में जा सकते हो आप लोग इलाज मालजे की तरफ जा सकते हो और ये भी डे है जिसमें आप वीज़ा या कानूनी कोई भी कार्रवाई करने के लिए पेपर सबमिट करना चाहो तो बहुत तेज़ी से बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है तर्सडे रोमांटिक डे है काफ़ी अर्से के बाद आप लोगों के रिलेशनशिप में बूस्टिंग देख रहे हैं ये दे वैसे तो बड़ा बिजी रहने वाला है इसमें रूहानी तौर पे भी आप स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो लेकिन इस दिन मेन मिलाप आप, आप लोगों का इस दिन किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट या कोई एक बड़ा डिसीजन लेना आप लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है आप लोगों की खुद एतमादी जो कहीं खो चुकी थोड़ी बहुत सिक्सटीन परसेंट है लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कैंसेरियन एक परसेंट भी नीचे आए वो बढ़ना शुरू हो जाएगी डाइट प्लान का ख्याल रखना है गोश्त से बनी हुई चीजें इस दिन इस्तेमाल कम से कम करना दाल चावल एंड सब्जी की तरफ आपको ज्यादा जाना होगा अगर आप लोग बहुत ज्यादा कॉफी एंड टी के एडिक्टेड हो तो आप लोगों को इस दिन कम से कम यह चीज इस्तेमाल करनी होगी रेड ब्लड सेल्स की कमी आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है अपने जीपी से कह के आप जो भी मल्टी लेते हो उनका लेना बड़ा जरूरी है और यही वो दिन है जिसमें आप डॉक्टर के पास जा सकते हो फ्राइडे कौसम डे है आप लोगों की जिंदगी में एक बेहतरीन इंसान से मिलना आप लोगों की जाहरी चीज जों का दूसरों तक पहुंच जाना यह वो दिन है जिसको हम हाईलाइट करते हैं कि वाह यह दिन तो सरतान वालों की जिंदगी में पहली बार आया और बहुत दूर तक जाने वाला है घरेलू जिम्मेदारियां आप फ्राइडे को थोड़ी सी उठाते हुए दिखाई दे रहे हो इस दिन कोई उधार मांगे बिल्कुल नहीं देना है आप लोग अगर बैंक से कर्जा लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो अपने टाइम पर आप किस्तें अदा भी कर दोगे एक बात याद रखना कि परेशानी अखराज की वजह से थोड़ी सी हो सकती हैं ओवर जो बजट चीज़ें जा रही हैं उसमें थोड़ी सी कमी करनी पड़ेगी अगर आपके घरों पे कोई पालतू जानवर मौजूद है तो अपने हाथ से उसको खाना खिलाना आप लोगों के रिस्क को 75 फाइव परसेंट तक बढ़ाएगा एक होता है मुलाजमों ने खिला दिया एक होता है मछलियाँ किसी ने भी डाल दिया लेकिन आपके हाथ से खिलाना अनलॉक करेगा उस सिलसिले को देखो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जो नसीब है ना तकदीर है इसके लिए छोटा सा अमल होता है अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी तो आपने अमल क्या करना जहन्नुम वाला है जन्नत वाला उस दिन अगर कहीं सितारे में है कि आपको शाही आ, इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा और सिर्फ एक नवाला किसी जानवर को खिलाना है तो फिर तो खिलाना पड़ेगा ना बॉस मतलब मुंह में ना भी डालो लेकिन उसके सामने रख दो ताकि वो खा सके चिड़िया परिंदा तोता कोई भी कोई भी हो सकता अच्छा सैटरडे थोड़े सा चाहबाज लोग हो सकता है कोई मस्किन मुँह पे लिबादा ओढ़ के आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे जो कि बड़ा मुश्किल होता है, आपको चालबाजियों आप में मुझे सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हेल्प करना चाहती हूं लोगों के साथ मेल मिलाप रखिएगा तो जरूर जाइएगा और अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है उनको भी जरूर बुलाइएगा लेकिन अपने सीक्रेट शेयर बिल्कुल नहीं करने हैं संडे आप लोग अपनी फैमिली को पूरे का पूरा टाइम दे सकते हो लंबी नींद आपको आने वाली है बहुत ज्यादा भूख लगने वाली है और आप थोड़े से स्ट्रेस में भी दिखाई दे रहे हो 6 पीएम के बाद क्यों ऐसा मालूम नहीं इसलिए संडे को आपको फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो एक लंबी वॉक पे भी जा सकते हो जो कि आपके पूरे मिजाज वजूद और जिंदगी पे को बहुत ही अच्छा असर डालेगा वाओ, ये कितनी मजेदार चीज है लेकिन अभी बहुत सारी चीजें रहती है ना किनसेरी आप लोगों को क्या मालूम लव कितना है लव इतना है कि आपका पेट नहीं भरेगा सिक्सटी एट और वैंगर है शुक्र है अल्लाह ट्वेंटी नाइन रिलेशनशिप है एटी वन पानी पी लू बाकी खुद पढ़ लो भाई हेल्थ एटी टू रूहानियत सत्ताईस परसेंट है स्टडी एंड एजुकेशन सेवेंटी वारे हाई नंबर हाइन लाख आपका साथ देगी फोर्टी नाइन पढ़नी हैं आपको या बात दिनों या मौका दम हो सदके में दे सकते हो फिश फूड दे सकते हो ऑयल कुकिंग ऑयल या घी दे सकते हो कैश दे सकते हो आप लोग जो कलर ऑफ़ द वीक है वो है सी ग्रीन डार्क ब्लू एंड वाइट ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा कैंसेरियन हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि अब हमारे पास है कौन सा सितारा है पहले आपको डोनेशन के बारे में कह देते हैं कि प्लीज़ डोनेट कर दीजिए या उन लोगों के लिए होता है जो भूखे होते हैं जो सफ़ैद पोश हैं जो अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैला पाते लेकिन अल्लाह आपको अपना हाथ बना के उनको रोज़ी देने के लिए सुपर चैट का सिलसिला करते हैं एंड थैंक यू सुपर चैट लेकिन इस वक्त कौन है हमारे पास जो सुपर चैट करने आया है, कौन है हेलो आप कहाँ से आ गए उड़दी उड़दी <laughs> खुद ही बुलाया खुद ही कहते हैं कौन से आप हेलो कीजिए और बताए हेलो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है जी सब के ठीक ठाक है मज़े में वन फिट और दुआ गो हैं कि आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे आई होप कि जितने दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई आपके दिन अच्छे गुजरे होंगे और जिंदगी में जो परेशानियाँ हैं मुसीबतें हैं वो थोड़ी कम हो गई होंगी और अगर कम नहीं हुई तो अल्लाह भी यकीन रखेगा ये दिन भी नए रहेंगे और अच्छे दिन जरूर आएंगे जी बिल्कुल ऐसे ही हाँ, <laughs> नहीं, नहीं, तो <laughs> जिंदगी देख के भी <laughs> अभी कैंसेरियन की बात हो रही थी तो कुछ लोग तो लिखते है ना अपने यहाँ में पढ़ रही होती हूँ चाहे मुसलसल पढ़ रही होती हूँ तो कैंसेरियन जो है सबसे इतना लॉयल स्टार है इतना मोहब्बत करने वाला स्टार है सिंसियर स्टार है कि आखिरी दम तक ये जो है अपने रिलेशन निभाते हैं मोहब्बत को निभाते हैं और जल्दी साथ नहीं छोड़ते ही? तो इतना बेहतरीन स्टार जो है वो ये है और उसके अलावा जैसे मैंने कल अपने शो में भी दो तीन बातें की थी आ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी मैं रिपीट कर दूँ के ख़ासतौर पर जो अर्थ साइन वाले लोग हैं जिसमें टॉरस है वर्गो है कैप्रिकॉर्न है आ, तो जहाँ आप उनके रिलेशन के हवाले से बताते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग लिख रहे होते हैं लव लाइफ के हवाले से बताएं रिलेशन के हवाले से बताएँ अलग होती है ना डेट के हिसाब से सबकी एक जैसी हो नहीं सकती बिल्कुल तो वो फिर मैंने सोचा चले मैं ऐसे बता देती हूँ कि जो अर्थ साइन वाले हैं लोग जो वर्गो हैं कैप्रिकॉन है या फिर टॉरस हैं तो इन लोगों का इनशाला इनशाला सेप्टेम्बर के महीने में आप क्या लव रिलेशन जितना भी है वो ओपन हो रहा है और कोई ना कोई आपके दरवाजे पे दिल के दरवाजे पे दस्तक देगा हो सकता है पुराने लोग जो कोई छोड़ के चला गया है रूट गया है वो वापस आए मनाए आपको आ, ऐसे भी इम्कान है तो इन ये जो सितंबर का महीना है अर्थ साइन वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है बहुत अच्छा है और देखें एक बात ये भी होती है अगर इसमें से कोई भी बात ठीक हो जाती है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है वो भी जरूर शेयर किया करें सिर्फ ये ना कहा करें आप इतना अच्छा अच्छा सब बता रहे हैं तो जी हमारी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा नहीं। और अगर कोई कुछ अच्छा होता है वो भी यहाँ आके शेयर किया करें ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले ताकि दूसरों को हिम्मत मिले आ, ये वाला मामला भी जो है वो बड़ा जरूरी होता है ठीक है और जी आ, मैं महविश करी असला कैसी हैं आप <laughs> मैं महविश मैं वैसी प्यारी अच्छी आ, बस मेरे बाजू में बहुत ज्यादा पेन है बहुत तकलीफ है तो आप मेरी सेहत के लिए भी प्लीज बहुत सारी दुआ कीजिएगा और कम लोग नजर आते हैं मुझे आ, जब गेम चेंजर सीमी हैदर चैनल पे मैं जाती हूँ तो बहुत कम लोग हैं अभी भी वहाँ पर सेवेंटी या सेवेंटी वन लोग हैं तो आप क्यों वहाँ नहीं जाते जबकि फिर मैंने वो सिलसिला नहीं दोबारा शुरू करना जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम आपको फ्री में जवाब देते थे okay. तो वो देखें आपका फायदा होता था अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो फिर हम दोबारा से वो सिलसिला शुरू करेंगे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और हम आपको यहाँ पर एक सवाल का जवाब देंगे ठीक हो गया तो काफी देर बाद सुना है धानिया कहती है हमें अच्छा और मैं इसलिए भी आई हूँ एक तो आपका हाल चाल पूछना था और दूसरा बिल्कुल दूसरा ये के जी आ, राजा हैदर साहब की हैप्पी बर्थडे है, है आ, तो है। बहुत बताओ आप सब जो है बेस्ट विशेष भेजे इनके लिए तोहफे भेजे इनके लिए मोहब्बत भेजे इनके लिए और अगर शो चलता रहा 11 बजे पाकिस्तान के यानी बारह बजे तक तो फिर हम हाँ, इनको लाइव हैप्पी बर्थडे टू यू भी गाएंगे मिलके सारे नो, सारे नो, लोग तो इसलिए मैंने आना जरूरी समझा है ठीक हो गया और अच्छा कोई ये खातून है जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वजीफा पूछ रही है टिकट सीमी हैदर राजा हुँ? वहां जाए मैंने पिन कर दिया है और जिन जिन लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जैसे अगर आपके वीजे नहीं लग रहे अदालतों के कोई मसले मसायल है कहीं फाइल फंसी हुई है कोई काम सालों से रुका है हो नहीं रहा किसी से बात मनवानी है रिश्ता नहीं हो रहा बाहर जाने का है इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है या बाहर अगर आपके अदालत में कहीं भी कोई केस वग़ैरह फंसा हुआ है तो आप उसके लिए बिसमिल्ला का एक हफ्ते का वजीफ़ा है और बड़ा ज़बरदस्त है बहुत अच्छा है मौत है आप वो करें और मैंने वहाँ पिन कर दी है उसके अलावा जो छोटे छोटे वज़ाइफ हैं वो हमारे चैनल पे भी हैं राजा हैदर चैनल पे भी हैं और उसके अलावा शॉर्ट्स में भी हैं लेकिन वो कह रही थी क्योंकि शायद उनके पास टिकटॉक भी नहीं है तो फिर मैं अभी जब नेक्स्ट वक्फे में आऊंगी तो जो भी खातून है आप नेक्स्ट वक्फे तक रहें फिर मैं आके वो रिपीट भी कर दूंगी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बिल्कुल सही एंड थैंक यू वेरी शिफरीन आपने सेवेंटी कैनेडियन डॉलर यहाँ पे भेजे हैंपी बर्थडे इन एडवांस जी अल्लाह आपको आपकी फैमिली को सेहतमंद रखे बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आप, आपकी दुख्तर ने कख्तर आपकी वालदा आपकी पूरी फैमिली सलामत रहे कभी अल्लाह किसी कमीने का मोहताज न करे और झोलियाँ भर भर के आपको दे आपका दामन कभी भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की ब्लैसिंग से और परवरदिगार की तरफ से जितने भी इन्ह आयात हैं उससे खाली ना थैंक यू वेरी मच फो सुपर चैट बर्थडे के लिए है और ये भी उसी कॉज के लिए है जिसके लिए हम आपसे हमेशा क्या जजाकल्ला खुश रहो खुश रहो और गोकू गेमिंग भी आपको एडवांस में कह रहे हैं जी थैंक यू सो मच सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी लियो का बता देंगे अगर दो मिनट लेट हो जाएगा तो आपकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं मचने वाला ये वीडियो रहेगी आप जाके बाद में भी देख सकते हैं चल गोकू गेमिंग से याद है मेरे बेटा जो है ना बचपन में गोकू गुहान गेम खेलता था और वो मुझे कहता था इसके नाम याद करें जो बहुत मुन्ना पांच छह साल का मैंने कहा मैं कैसे याद करूं नहीं आप याद करें गोकू गोहान और सही मान और इनकी बहन मानी आप बिलीव <laughs> करें कि आज कोई इस बात को 10-15 साल हो गया मगर मुझे ऐसा उसने रटाया कि भूलता नहीं है तो गोकू आज आपको देख के मुझे दोबारा से बचपन वाली वो बात याद आ गई चलें जी सलामत रहें लियो के बारे में सुने और अल्लाह करे कि लियो आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाए नेक्स्ट में आऊंगी तो बिस्मिल्लाह का वजीफा बता दूंगी आप कागज का कलम हाँ, जी, जी, का। और प्लीज डोनेट कर दीजिएगा अभी जिनकी बारी है वो है असद वाले सिंह राशि और उन लोगों की जिंदगी कैसी गुजरने वाली है ये हम आपको अभी बता रहे हैं देखो सबसे पहले तो असद वाले मुबारकबाद के मुस्तक को आप लोग क्योंकि ज़िंदगी उस जगह पे आपको लाई है जहाँ कर्ज़े माफ़ हो जाएंगे जहाँ पे आप लोगों के दिमाग में जो भी कोई चीज़ें भरे जा रहा है मैजिक के ज़रिए फोटो के जरिए पढ़ाई के ज़रिए आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है या पड़ी है वो सब क्लीन हो जाएगा इस हफ़्ते अच्छा ये सुपर मून का एक पॉजिटिव गिफ्ट है जो आपको मिलेगा इसमें आपको किसी से क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिकली ये क्लीन होगा अब इसके बाद जो नया होगा उससे आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी अगर हिसार बंदी वगैरह नहीं कर पाए तो करवा सकते हैं और अगर आपकी एज थर्टी फाइव के ऊपर है तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल होके अब ये आगे के जितने भी महीने हैं साल के एंड तक ये गुजारने होंगे स्टार्ट विद द मंडे मंडे को बहुत सारी कागजी कार्रवाइयाँ करते हुए आप दिखाई दे रहे हो किसी के घर आना या जाना आप लोगों की बहस मुबासा या फिर डायलॉग्स एक्सचेंज जो भी होते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला लाइफ आपकी बहुत बेस्ट होने वाली है यहाँ पे एक चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा और वो है आपके ओवर बजट की तरफ जाता हुआ स्टार आपको मंडे को बहुत ज़्यादा अखराज की तरफ नहीं जाना है हो सकता है मुलाजमों के साथ हो सकता है हजबैंड या औलाद के साथ किसी छोटी सी बात पे तकरार हो जाए और मूड आपका खराब हो जाए ये बेसिकली मूड स्विंग वाली पोजिशन है, 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 तो है।, है। ट्यूजडे आप लोगों के लिए एक नया डे इसलिए होगा कि इसमें कोई कोर्स करना चाहो इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहो किसी के साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करना चाहो तो आप लोगों के लिए एक खास डे है इस दिन आप किसी के यहां रिश्ते की बात करो टेलीफोन पे कि हम आना चाह रहे हैं मैन तो वो भी कर सकते हो और अगर आप लोग किसी जगह पे किसी और मुल्क में सेटल होने का सोच रहे हो ट्रैवल करना वाले हो तो आपको पहले से डिसाइड करना होगा वरना आपके बजट से ऊपर चली जाएंगी चीजें और वो जो गोल्डन टाइम है जिसमें पेपर सबमिट कराने होते हैं वो भी निकल जाएगा बुध वाला दिन जो है आपको मकान की तब्दीली के लिए बैठ के बात करनी होगी जो भी मुतलका लोग हैं उनके साथ फैमिली के साथ और आपको तलाश जारी रखनी है बिकॉज ये वाला जो टाइम है इसमें आपकी तब्दीलियां बड़ी जरूरी हैं एक बात याद रखें असद वाले कि असद वालों का आप जो बैक है ना जितने भी चाहे कारोबारी चीजें हैं जो कुछ आप वाइंड अप करना चाह रहे हैं उसको जितना जल्दी हो सके आपको वाइंड अप करना है बट तो उस जल्दबाजी में आपको पेपर वर्क और टेक्निकल चीज़ों को भूलना नहीं है क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हो क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हो देखो लोग आपको चैन से बैठने इसलिए नहीं नहीं देते हैं कि उनको पता है आप दी बेस्ट हो आप अगर की बात करो आपके मुंह से निकले भी भी हुए हाँ, तो बुरी नजर लग जाती है इसलिए अंडर कवर होके आपको जितनी ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाना बढ़ा सकते अचानक किसी मेहमान की किसी से मुलाकात आपके दिल पर बहुत अच्छा असर डाल सकती है आप लोग अगर कोई कोर्स करना चाहो किसी जगह इन्वेस्टमेंट या जॉब जॉब के लिए पेपर सबमिट करना चाहो जॉब क्विट करके स्विच करना चाहो किसी अच्छे में तो ये दिन आपके लिए बहुत बेहतर है बुध का दिन जाहिर है वेनस आप लोगों के लिए भूख लगाने वाला दिन भी माना जा रहा है इस दिन ओवर ईटिंग हो सकती है जिससे आपकी तबीयत या जाहिर है पेट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा शदीद किस्म की नौयत इख्तियार कर सकते हैं इसलिए प्लीज कंट्रोल करना पड़ेगा आपको कुछ चीजें आपकी थर्सडे को खाप के जरिए परवरदिगार की तरफ से आपको रास्ता दिखाने के लिए आएंगे वो जो भी ड्रीम्स हैं वो सच है कैसा है उसकी ताबीर क्या है ये बहुत जरूरी है मददगार लोग मिलेंगे आपको अब जाहिर है जो भी सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं दोस्त हैं अगर करीब से जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं आपने सिर्फ उतनी परसेंटेज उनसे शेयर करनी है जितने के वो हकदार हैं जितना आपको जूस ने जोड़ना है अपने घर के हर मसले को किसी से डिस्कस नहीं करना है सवाल उन लोगों के जो आपकी ज़ात के साथ जुड़े हुए लोग मियाँ बीवी का ताल्लुक मजीद स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है कि आपकी मकान की तब्दीली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे जाए इन तारीखों में इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए बेहतर है लेकिन ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा नहीं सवारी पर अखराजा अगर आ रहे हैं कोई लोहा खरीदना चाह रहे हो गाड़ी खरीदना चाह रहे हो गोड़ खरीदना चाह रहे हो तो ये डे आपके लिए बेहतर है थर्स अपने गुस्से पर काबू पाना होगा एंगर इशू बहुत ज़्यादा रहने वाला औलाद वाले हो तो बच्चों की किसी वजह से परेशानी हो सकती है लेकिन वो कुछ सीरियस नोयीत की नहीं है वो खुद ब खुद होता है ना कि जब बंदे का मूड ख़राब हो तो किसी ने अगर पानी ठंडा मांगा और थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाला ले आया उस पर भी लड़ाई हो जाती है तो इसलिए आपको अपना थोड़ा नॉर्मल रखना है क्योंकि देखो रूहानी तौर पर आप हाँ बहुत स्ट्रांग हो असद वालों जितने भी सिंह राशि वाले हैं वो हुक्मरानी वाली सतह पे पहुंचने वाले हैं बड़ा मकाम मिलने वाला है आप लोगों को और ख़ास तौर पे कानूनी उलझने ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं जितने भी हमारे असद वाले हैं उन लोगों को बहुत एहतियात नहीं करनी अब जिस तरह के गुज्त हफ़्ते हमने बताया था अब आपको सिर्फ ख़ास खास चीज़ों पर एहतियात करनी है लाइक अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपको जहाँ रिश्ता लेकर जाना है वो सिर्फ मुतलका लोगों तक ही ये बात पहुँचे पूरे ख़ानदान में ढंडोरा नहीं पीटो वरना ये तोड़ नहीं चल पाएगा जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो औलाद की नवीद के लिए तरस रहे हैं तो ये डे उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है तर्सडे आप लोगों की सरमाकारी के लिए और मुश्किल ख़त्म होने वाला डे है स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत गोल्डन डे है अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो या चाहते हो कि आप किसी अच्छी जगह पहुंच जाओ तो बहुत बेहतर डे है इसके अलावा आप लोगों के लिए फ़्राइडे जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं उसको ख़त्म करेगा रूहानी तौर पर स्ट्रॉग है कोई छोटा या सफर दरपेश आ सकता है मकान को अगर आप खरीदना चाहो गिरवी रखना चाहो लैंड बेचना चाहो तो इसमें प्रॉफिट आपको 65 तक हो सकता जो अच्छी खासी है और मतलब एक्स्ट्रा जूस आपको मिल जाएगा फ्राइडे आपके बहुत सारे टूटे हुए रिश्तों को भी बना सकता है बहन भाई मियाँ बीवी और जो भी जुगाड़ू टाइप के रिश्ते हैं उनको दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर देगा बेबाकी से गुरेज कीजिएगा आपकी ये जो एक खुल्लाम खुला ठीक है आप अपनी जगह पर सही हो लेकिन जहाँ जहाँ डिप्लोमेसी चाहिए वहाँ करनी इसको मुनाफिकत नहीं कहते इसमें सिर्फ अपनी साख को बेहतर बनाना कहते हैं जो आप आ, को थोड़ा बहुत अभी अपनाना पड़ेगा सैटरडे आपने लेन देन करते हुए बहुत एहतियात करनी है पेपर वर्क है अगर कोई तो उस पर साइन नहीं करना है धोखा हो सकता है अगर कोई आपको बहुत राइट हैंड दिखा रहा है कि ये देखिए गोल्डन है गोल्डन है तो आप अपना लेफ्ट हैंड भी उसको दिखा सकते हो कि बेटा गोल्डन नहीं है ये नीला है क्योंकि मैंने जो तुम्हें चपेट लगानी है किसी की बातों में आके इन्वेस्टमेंट या किसी की बातों में आके अपने घर को ख़राब नहीं करना है संडे आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त डे रहने वाला है बिजी डे है जाहिर है मिलना काम करना अखराजात का बढ़ जाना अखराजात को लो पे लेकर आना है और ये वो दिन है जिसमें आपकी लाइफ को बढ़ता हुआ देख रहे हैं यानी टैक्स आपको बूस्ट करेगा आपकी ज़िंदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और मेरे ख्याल से ये एक का, कमाल किस्म का डे होता है जिसमें आप लोगों ने अगर पेंडिंग काम नहीं किए तो वो करना बड़ा जरूरी होता है लव परसेंटेज कितनी है असद वालों को ये तो बिल्कुल नहीं पता तो देखो ना इस स्क्रीन पे 57 परसेंट कम नहीं होती है और वैंगर 38 परसेंट है आप लोगों के रिलेशनशिप 89 नाइन परसेंट है मानी 59 है आप लोगों की जिंदगी में हेल्थ जो है 83 परसेंट तक जाने वाली है रूहानिया तेईस परसेंट है और आप लोगों के लिए स्टडी एंड एजुकेशन रहने वाली है सिक्सटी वन परसेंट एंड लक आपका साफ देगी फिफ्टी सेवन परसेंट असद वालो आप लोगों के लिए जो तस्बियाँ हैं वो है या सम या वाहि दो आप लोगों को तस्बी जो पढ़नी है उसके बाद जो सदक़ात वगैरह हैं वो एक दर्जन अंडे हो सकते हैं तीन भूखे लोगों को खाना खिला सकते हो परिंदों को आज़ाद करा सकते हो या कैश दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है पर्पल ब्लैक एंड बेबी पिंक तो बेबी पिंक पहनोगे तो आप ऐसा नहीं है कि आजकल पिंक बहुत इन है तो आप बार भी लगोगे तो आप बारहवीं तेरहवीं कोई फर्क नहीं पड़ना और रात के बाद आने वाले हैं ओ, दिल धड़कने का सबब याद आ वर्गो यानी कन्या राशि वाले अपनी जिंदगी कहां से कहां तक पहुंचाने वाले हैं उन लोगों के लिए थैंक यू जो लोग अभी आए हैं जिन्होंने हमारे शो को अभी ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए हैप्पी बर्थडे करने वालों के लिए सब के लिए थैंक यू फ्रेंड स्टार एंड सब 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 लोग जिन्होंने भी किया थैंक यू सलामत रहिए आप है। लोग हैं तो हमारी रोज़ाना ये बर्थडे वाली सिचुएशन को जरूरी होती है ब्लशिंग ना हाँ मेरा पिंक हो रहा है ना गाल हो नहीं रहा लेकिन अंदर से फील हो रहा है जैसे अक्सर होता है ना कोई चबड़ बड़ कनातिया किस्म का बंदा गुजरा होता है बिचारी स्टूडेंट्स या कोई भी लड़कियों को देख के अंदर से उसका सलमान खान या शाहरुख जाग जाता है और ऐसे करके एक्सप्रेशन अंदर से चल रहे होते हैं तो जी हो तो है ये भी करना जरूरी है ओ नहीं नहीं कोई भी नहीं भाग जाओ यहाँ से मतलब मैम आ जाती हैं थोड़ी बात करने के लिए पहले मैं सितंबर वाले जितने भी लोग हैं जो आज की तारीख में पैदा हुई ये पूरे महीने में पैदा होने वाले हैं कमिंग सून है उनके लिए आप लोगों के लिए आ, बहुत जरूरी है तालियां और बाकी के आप लोग इसी तरह नॉर्मल रूटीन में रहो हम आपके लिए स्पेशल शो करते रहेंगे और आपको तो तो प्लीज प्लीज ना ना बताइए बताइए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम अगेन जो वाली लोग हैं और यहाँ भी को ख़ातून कह रही थी आप जो औलाद के लिए आपने वजीफा बताया है वो रिपीट कर दें देखें आप पुराने शोज़ देखा करें आ, क्योंकि जिन लोगों ने सुन लिए हैं तो वो कहेंगे बार बार वही चीज़ें बताते, बताते हैं लेकिन क्योंकि हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए तो अगर आप पूछते रहेंगे तो हम बताते रहेंगे ये सूर्य माहा की आयत नंबर सेवनटीन है प्लीज़ लिख लीजिएगा सूर्य मायदा आयत नंबर सेवनटीन सत्रह और इसका है तीन सौ मरतबा यानि तीन तस्बिया आप हंड्रेड दानों वाली पढ़ेंगी अव्वल आखिर दरूज शरीफ पढ़ना है आपने पाँच बार और फोर्टी वन डेज़ का है ठीक है इकतालीस दिन का है और साथ में कोई भी मीठी चीज़ रख लें आ, वो जब ये पढ़ लेंगी तो दो आ, थोड़ी सी हस्बैंड को खिला दें थोड़ा वो मीठी चीज़ खुद खा लें नागे के दिनों में आपने स्टॉप कर देना है बाद में जितने दिन हो जाते हैं फिर उसके बाद आपने उसको काउंट करके 41 डेज़ पूरे करने अल्लाह पाक आपको नेक साल औलाद सेहत और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे बहुत सारी दुआएं जी और दूसरा जो रहमान रहीम का पूछते हैं वो है जी आपने या तो फ्राइडे से शुरू करें या फिर आप मंडे से शुरू करें मगरब के टाइम के बाद किसी वक्त भी आप कर सकते हैं इशा की नमाज में कर लें रात में सोने से पहले कर लें जो भी टाइम आपको मुनासिब लगता है उसमें करें इसमें वक्त और जगह का जो है एक ही जगह पे आपने बैठ के और उसी वक्त हर रोज पढ़ना है इस दो चीज़ों की पाबंदी बड़ी ज़रूरी होती है इसमें भी आपने अवलाखुरूशी पढ़ना है पहले आउज़ बिल्ला ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि शैतान मरदूद आपके दिल में वस वसे ना डाले और अल्लाह पर यकीन कामिल रखें कि जो भी आप कलाम पढ़ रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट आएगा और एक दफ़ा आपने बिल्ला और बिस्मिल्ला पढ़ लिया और उसके बाद आपने सेवन एट सिक्स टाइम यानि सात सौ छियासी बार आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और जब पढ़ लें तो आपका जो भी मकसद है उसके लिए और मकसद का जो है वो क्या होना ज़रूरी हैदर साहब के आपने तो जायज हाजत के लिए, के लिए हाँ नाजायज जो भी होगा उसके तो लिए कभी भी दुआ कबूल नहीं होगी तो जायज होना बड़ा जरूरी है जी उसके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला कबूल करे और ये अगर आपने फ्राइडे शुरू किया है तो थर्सडे नाइट पे जाके खत्म होगा अगर आप मंडे से शुरू कर रहे हैं तो फिर आपका संडे नाइट पे जाके खत्म होगा और जब भी मुराद पूरी हो जाए ग्यारह रुपये से लेके ग्यारह सौ तक जितनी आपकी तोफीक है या मस्जिद में डाल दें या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें और अगर आपके काम हो जाते हैं तो प्लीज़ हमारी तरफ़ से इजाज़त है कि आप दूसरे लोगों को भी बताया करें किसी का कोई काम रुका हुआ है तो आप उनको भी तोहफ़तान दे सकते हैं और काम हो जाए तो प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखें ठीक हो गया और ये जो अभी औलाद वाला बताया है इसके लिए टाइम और जगह का कोई नहीं है आप दिन में किसी नमाज के साथ भी आप ये तीन तस्बियाँ कर सकती हैं ठीक हो गया तो आती हूँ थोड़ी देर बाद तब तक जरूर, के लिए अल्लाह हाफिज ज़रूर जरूर आती जाती रहें क्योंकि आप जो मैसेजेस पढ़ रही हैं वो कोई और पढ़ नहीं सकता है और इसलिए आप सब लोग जो भी यहाँ मौजूद हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अगेन आज साल की राह मुबारकबाद देना प्लीज़ बंद कर दीजिए और अभी बीच में दो तीन लोग लिख रहे सर ऐसी पूछिए में गाना सुन रहा है मतलब गाना सुना दें शो चल रहा है एस्ट्रोलॉजी का इसमें गाने की तुकी नहीं बनती और जो गाने वाले शो होते हैं उसमें आप लोग कोई फरमाइश नहीं करते हो इसलिए मैं कोई गायक तो हूँ नहीं लेकिन चलो आपने की है बर्थडे पे भी हूँ मैं तो थोड़ा बहुत सुना ही देते हैं और फिर स्टार्स की भी साथ हमारा ये प्रोग्राम पहले ऐसा ही होता था कि जिसमें गपशप बहुत लगती थी लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद थोड़ा समझ नहीं आता था तो कुछ याद आता है हल्का सा गाना तो हम सुना देते <coughs> बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो किसे दुनिया चाहिए तू है तो मुझे फिर यार क्या चाहिए तू है तो मुझे फिर यार क्या चाहिए किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए तू है तो मुझे फिर यार क्या चाहिए सोपार जन्म नू तो भी तू ही हम दम हर दफा चाहिए तू है तो मुझे फिर यार क्या चाहिए तू है तो मुझे फिर यार क्या चाहिए हो तो जब तक तेरी नींद न टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा ख्वाब मेरे किस काम के मेरे ख्वाब से प्यारा तू सच मेरा सुन हड़िए दिल जा जख्मों को मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए तू है तो मुझे फिर यार क्या चाहिए तू है तो मुझे फिर यार क्या चाहिए किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए तू है तो मुझे फिर यार क्या चाहिए ए

मेरे अंदर बहुत दिन से के जैसे जंग जारी है अजब सी बेख्तियारी है मैं न चाहू मगर फिर भी तुम्हारी सोच रहती है हर एक मौसम के दस्तक से तुम्हारा अक्स बुनता हूं कभी बारिश तुम्हारे शबनमी लहजे में डलती है कभी सरमा की ये रातें तुम्हारे सर्द हाथों का दहकता लम्स लगती है कभी पतझड़ तुम्हारे पांव से रूंधे हुए पत्तों की आवाजें सुनाता है मुझे बेहद सताता है कभी मौसम गुलाबों का तुम्हारी मुस्कुराहट के सभी मंजर जगाता है मुझे बेहद सताता है कभी पलकें तुम्हारी धूप औड़े जिसमो जापे शाम करती हैं कभी आंखें मेरे लिखे हुए मिस्रों को अपने नाम करती हैं मैं खुश हूं या उदासी के किसी मौसम से निपटा कोई महफिल हुई तनहाई महफिल में हूं या फिर अपनी लगाई आग में बुझ बुझ के जलता हूं मुझे महसूस होता है मेरे अंदर बहुत दिन से के जैसे जंग जारी है अजब सी बेख्तियारी है और इस बेख्तियारी में मेरे जज्बे मेरे अल्फाज मुझसे रूठ जाते हैं मैं कुछ कह भी नहीं सकता मैं कुछ लिख भी नहीं सकता उदासी ओढ़ लेता हूं और इन्हीं लम्हों को मुट्ठी में तुम्हारी याद के झुकनू कहीं जब जगमगाते हैं या बीते वक्त के साए मेरी बेखाब आंखों में कई दीपक जलाते हैं मुझे महसूस होता है मुझे तुमको बताना है कि रुत बदले तो पंछी भी घरों को लौट आते हैं सुनो जाना चले आ तुम्हें मौसम बुलाते हैं तुम्हें मौसम बुलाते जितने भी वर्गों वाले हैं उन लोगों को सभी मौसम बुला रहे हैं देखो मोहब्बत आप लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा जरूर है शिमला वालों वर्ग वालों लेकिन आप लोगों को इस हफ्ते बहुत सारे इम्तहानों से गुजरना है ये सुपर मून का एक बैस तोहफा जहां जहां ईगो की बात है उस दस्तार को आपको जमीन पर रखना होगा ये पूरा वीक आप लोगों को बहुत मसरूफ रखने वाला है बहुत मसरूफ होते जा रहे हो बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या लेकिन यहाँ पे आप लोगों की मसरूफियात परवरदिगार की तरफ से आपको पे करके जाएगी आप लोगों को सिर्फ शेड्यूल्स बनाने कौन से दिन में क्या काम करना है कौन सा माहिदा किस दिन करना है स्टार्ट विद द मंडे मंडे बहुत औसम awesome होने वाला है आप लोगों का बिजी डे है कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों को प्रॉफिट मिल सकता है ट्वेंटी सेवन परसेंट क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक एक्सचेंज के अलावा अगर आप लोगों ने गोल्ड एंड लैंड एंड प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया तो 27 परसेंट तक रिटर्न आ सकता है मंडे नकालों से होशियार रहना है आप लोगों की जो उधार रकमें रुकी हुई रकमें हैं उसका मिलता हुआ हम आपको देख रहे हैं किसी नए शख्स के साथ मेल मुलाकात आप लोगों की जिंदगी को बदल सकती है लेकिन किस हद तक है वो मैच करने के बाद मरकरी को हम देखेंगे कि आप कितनी परसेंटेज आ रही है उस हवाले से ही हम कोई फैसला कर सकते हैं स्क्रीन पर लिखा

ओ, कोई खास तोहफा देना है कंसीव करने के लिए मकान की तब्दील सफर के लिए एक खूबसूरत दिन माना जा रहा है आप अपने टारगेट को अचीव करते हुए मंगल वाले दिन दिखाई दे रहे हो शरीर के सफर महबूब के साथ बूस्टिंग की परसेंटेज सारी हदें तोड़ फोड़ के आगे चली जाएगी ये जो जवाल वाली कैफियत है रोजगार वालों के लिए पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास जॉब अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही इस तरह की चीजें खत्म हो जाएंगी मंगलवार आप लोगों का एक लाख इन गोल्डन डे होने वाला है और डेफिनेटली मरकरी वाले हो तो आपको वेनसडे कैसे कुछ इनाम नहीं दे सकता वेनसडे में बस इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है को बहुत बड़े पैमाने पे पर पे। आपकी मुलाकात जहाँ भी कहीं रिश्ते के लिए शादी के लिए कारोबार के लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए हो रही है वो हंड्रेड परसेंट सक्सेस कमाएगी अगर इस दिन अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए कानूनी उलझनों के लिए बैंक से लोन लेने के लिए कोई भी ऐसा काम जिसको आप नामुमकिन समझ रहे हो करने की कोशिश करना चाहो तो इसमें इनाम मिलेगा आपको यानी रिटर्न बहुत अच्छा है मायूसी बिल्कुल भी नहीं है वो लोग जो किसी एक ख़ास रिजल्ट के इंतज़ार में थे उनको रिजल्ट मिल जाएगा यह बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए ख़ास एक चीज़ Allah की तरफ से जो भेजी जा रही है वो है बूस्टिंग ऑफ लव वि मनी मनी तो ऑलरेडी हनी की तरह आ ही रही है आपकी ज़िंदगी में लेकिन कुछ फैसले करने का दिन भी बुद्ध को माना जा रहा ये वो फैसले हैं जिन लोगों के रिलेशनशिप टूट फूट का शिकार है बिल्कुल ख़त्म हो गए आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कैंसर हो सकता है फंस सकता है कैंसर स्टार की बात नहीं करी बीमारी वाले की बात कर रहे हैं किसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में देहांत हो सकता है तो फिर आप लोगों को किनारा कशी करने के लिए इसी दिन का इंतखा कर

हो सकता इसलिए बहुत ज्यादा चुकन्ना रहना पड़ेगा किसी के हाथ से ली गई चीज खाई गई चीज आपको बहुत पीछे भी फेंक सकती है कानूनी तौर पर भी एहतियात कीजिएगा हकीकत इस चीज़ के लिए अब आपको बार बार आमादा कर रही है कि आपको नॉर्मल पर्सनालिटी के लोग नहीं हो स्पिरिचुअली आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे आपको रिटर्न नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी चॉइसेस शायद दूसरों से ज़्यादा बिल्कुल डिफरेंट है आप इमेजिनेशन की दुनिया से लेकर रियल real, जो रियलिस्टिक लाइफ होती है उसको एक ही जगह पर ला के खड़ा करने वालों में सर फहरिस्त हो लेकिन अब क्योंकि वो जो मिसमैच या फिर थिंकिंग या कहीं भी थोड़ा सा भी एक हल्का सा भी ख़तरा आपको नज़र आ रहा है तो ये उस रिलेशन को बहुत दूर कर देगा तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा फ्राइडे गोल्डन डे माना जा रहा है आप लोगों के इलाज माल जैसे लेके कानूनी उलझनों तक के सारे डेज़ आपके बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं आप लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये वो दिन है जो आपकी कामयाबी के दिन माने जा रहे हैं अब जाहिर है अगर हम फ्राइडे को बात करें किसी या जुनबी के साथ मेल मुलाकात भी हो सकती है आपका सफर हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा नजला जुकाम खांसी बदलते हुए मौसम की वजह से हो सकती है तो इसलिए खासतौर पर जो खतानी हैं उन लोगों को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी ये बात याद रखना कि किसी की नाराजगी इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकते हो क्योंकि यहां पे बार बार पैदर पै अगर कोई आपसे बहस मुबासा करेगा या जादू या बुरी नज़र वाला सिलसिला करेगा तो आप लोग अपने जो टाइम टारगेट है उससे 27 डेज बैक पे रहोगे और इस वक्त 27 मिनट का भी आप वसा नहीं खा सकते हो किसी पे एक एक मिनट आपका बड़ा कीमती है सैटरडे आप लोगों के लिए अहम दिन इसलिए है कि इसमें अगर आप मकान की तब्दीली करना चाहो कहीं छोटे या बड़े सफ़र में जाना चाहो कुछ खुशखबरी किसी के साथ मेल मुलाकात आपकी ज़िंदगी को बहुत बढ़ावा दे सकती है ये अजनबीय ख़त्म होने वाला दिन है अगर आप मुल्क से बाहर सेटल होने के लिए कोई प्लान करो तो ये दिन एक बेहतरीन दिन माना जा रहा है कोई हो सकता है कि इस दिन आपको वरगलाए ट्रैप करे कोई इमोशनल बातें करें आप लोगों को वही करना है जो आपका मन कर रहा है किसी के बहकावे में ऐसे ऐसे करके आपने जाना नहीं है लहरों के साथ साथ संडे संडे आपका एक बेहतरीन दिन है संडे में आप लोगों के रूहानी जो हैं वो हल हो जाएंगे खाब के जरिए परवरदिगार कुछ खास पेशें पहले से आने वाले दिनों की करेगा छोटे छोटे मसाइल खत्म हो जाएंगे रोजी रोटी के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हो वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है संडे एक असम दिन है जिसमें आपकी शोहरत के दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वर्गो वालो आपकी पांचों गई घी में लेकिन लाभ परसेंटेज कितनी रहने वाली है ये है असल कहानी तो चलो बता देते हैं रहने वाला है आपका 78 रिलेशन एटी थ्री मनी सिक्सटी नाइन परसेंट हेल्थ सेवेंटी सेवन रोहानियत पच्चीस

लक आपका साथ दे फिफ्टी नाइन परसेंट आप लोगों के लिए जो तस्वीरें हैं वो हैं या मोई दो या मतीन हो दोनों तस्वीरें हंड्रेड हंड्रेड वाली पड़नी है व्हाइट तिल अपने ऊपर से बाहर के चिंटियों को किसी भी कब्रिस्तान या दरख के तने में या घर के बाहर कहीं भी फेंक दो बहुत जरूरी है ब्राउन शुगर दे सकते हो दूध खुला या पैकेट वाला दे सकते हो एंड कैश भी दे सकते हो ब्राउन येलो एंड रेड ये वो कलर हैं जो आप पहनोगे लकी कलर तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा बेस्ट ऑफ लक हमारे वर्गों वालों के लिए एंड लेबर वालों को हम करते हैं वेलकम वेलकम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जितने भी लिब्रा वाले हैं वो खुश रहें आबाद रहें क्योंकि यहाँ पे ओ सिमी मैम का मैसेज भी है टीम कहाँ है आ, कोई दिखाई नहीं दे रहा ये सिर्फ बट आ, दिखाई दे रहे हैं हमें पर बाकी टीम मेरे ख्याल से मसरूफ़ है या तो फिर वो दुआएं कर रहे हैं कि बारिश ख़त्म हो जाए इंडिया का मैच शुरू हो जाए <laughs> इंडिया पाकिस्तान का हम लोग अपने घरेलू मसायल या अपनी ज़िंदगी मसाइल से ज़्यादा उन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं जो मतलब किसी और के वो है चलो ठीक है अगर आप इसी खेल तमाशे में खुश हो तो ठीक है हमारा मकसद आपको ये वीडियो देना है आ, कल भी आप देख सकते हो या जब फारिग होगे लेकिन हम चाह रहे हैं कि हफ्ता शुरू होने से पहले ही आप इसको देख लो तो आपके लिए बड़ा जरूरी है ओके एक और ऐलान कर कि नेक्स्ट वीक मैं मौजूद हूँ तो आप लोग अगर लंडन में हो बर्मिंगम में हो मंचर में हो गाजो में हो तो आप फॉरन फॉर सिर्फ दो दिन के अंदर आपके पास सिर्फ दो दिन है इसमें रहा कर सकते हो शेड्यूल बन सकता है आपको हिसार बंदी करवानी है मैजिक करनी है स्टोन्स चाहिए आपको बिलमुशाफा मुलाकात करने के बाद मीटिंग करनी है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो ये बिल्कुल मुख्तर सा टूर है इसके बाद हमने बताया कि यूएस एंड कैनेडा के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा अंदा यूरोप वाले भी रेडी हो जाए क्योंकि मेरी जो शूटिंग ड्रामे की चल रही है दोनों उसके बीच में जो जो गैप निकलेगा वो आप लोगों को हम बताते रहेंगे सो ड्रामा अभी उस प्रोसेस में है कि अक्टूबर में इंशाल्लाह आप लोग ए डिजिटल से एक ड्रामा देखोगे जिसका नाम है जाने जहाँ और जाने जहाँ एक मेगा कास्ट का मेगा प्रोजेक्ट है नेक्स्ट लेवल का और दूसरा ड्रामा ग्रीन्स टी जो है उस पर देखोगे द दे जेंटल मैन जेंटल मैन खलील कमर साहब का लिखा हुआ हुआ है सईद साहब उसमें लीडिंग रोल कर रहे हैं और बाकी भी मेगा कास्ट यानी मी बाकी कास्ट। नहीं, नहीं करेगा तो कर तो अच्छा फिलहाल हम बता रहे हैं लिब्रा वालों को आपकी जिंदगी कैसी गुजरने वाली है लिब्रा वालों देखो, पहली चीज बहुत सोच समझ के फैसला करना है इस पूरे हफ्ते में कई फैसले ऐसे हैं जो फाइनल डिसीजन वाले होंगे सबसे पहले हम रिलेशनशिप की बात करते हैं इसमें अगर कोई चुन लिया आपने मैं तो कहना उन्होंने चुनने दो दीवार पर सीमेंट वीमट ला के चुनने दो क्योंकि चुनने के काबिल है लेकिन अगर आपने फिर भी चुन लिया मेरी गल नहीं सुनी इधर से सुन के इधर से निकाल दें तो फिर हूँ तुम चुनने लिये तैयार हो जाओ क्योंकि वो आपको चुन चुन के मतलब प्यारी करेगा और क्या करेगा बकोलाप के आपको लग रहा है देखो ट्रैप हो सकते हो आप इस पूरे वीक में किसी की चिकनी चपड़े बातों में आने के बाद कोई गलत डिसीजन ले सकते हो लाइफ चिकनी चपड़ी नहीं है इसके लिए आपको बहुत सीरियस डिसीजन लेना है वैसे तो बहुत सारे लोगों की औकात आप पे खुल के सामने आ जाएगी लेकिन आपका एंगर और आपकी ईगो वो बीच में अगर कहीं ना कहीं आ गई देखो एक होता है आप खुद ब खुद फैसला कर लेते हो आपको अगर किसी ने ज़िंदगी में जिता है मुझे एक चीज़ बड़ी हैरत वाली लगती है लिब्रा बड़े पॉजिटिव साइन माने जाते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन खुद अगर आप हजार गलतियां करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि बस हमें माफ कर दो हाँ वो इनोसेंट मूव थी लेकिन अगर किसी ने कोई छोटी सी गलती की है तो आपका उसको बुलाना या माफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हां अगर उसने पहल की तो आप माफ तुरंत कर दोगे एक सेकंड में कर दोगे लेकिन वो जो बीच में गैप है ना दो से हर बंदा अपनी आना जेब में फ्रंट जेब पर रख के बैठा हुआ है तो इसलिए अब आपको वो फैसले करने हैं मंडे आपका एक बिजी डे है इसी तरह का डे है जिसमें आप लोगों को कुछ फैसले करने हैं यस और नो वाले आप लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना मंडे को वरना प्रॉब्लम हो सकती है इख्तियारत मिल सकते हैं आपको बॉस वाली कैफियत में आप जा सकते हो शो स्टॉपर हो सकते हो आप लोग बड़े पैमाने पे जो उहदे होते हैं वो मिल सकते हैं नेम एंड गेम और फेम जितनी भी चीजें हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं ये याद रखना कि जो अंडर वेट है उन लोगों को थोड़ा सा वेट बढ़ाने की जरूरत है वरना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं और जो ओवर वेट है उनको थर्टी परसेंट अपना वेट नीचे लाना चाहे डाइट से लाओ चाहे जिम ट्रेडमिल कुछ भी करना चाहो अच्छा ये वो डे है मंडे जिसमें बहुत सारे बिखरे हुए ख्याल भी आएंगे खाब भी अजीब आएंगे जिसकी ताबीर नहीं पता स्क्रीन पर लिखा है राजा है एट हॉटमेल डॉट कॉम इस पे आओ तो हम आपको बताएंगे मीटिंग कर सकते हो फोन मीटिंग के लिए ये ईमेल एड्रेस मेरे पी एम इस का नंबर दिया जाता है और फिर आप पे करने के बाद मुझसे बात करते हो ये याद रखना कि मंगल वाला दिन मुकाबले का दिन नहीं है ये बहुत शांत दे है इसमें वजाहतें नहीं करनी आपने लोगों को कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ या मैं तो ऐसी नहीं हूँ सबको पता है कि आप कैसे हो इसलिए आपको सिर्फ अपने जो मंजिल है उस पर फोकस करना है नई जर्नी स्टार्ट हो रही है या फिर रिलेशनशिप अगर किसी के साथ जोड़ रहे हो तो इस दिन आप तय कर लो कि आने

जा रहे हो वहां पे बैकअप होना जरूरी है किसकी पे पे जा रहे हो वरना लोग आपकी पे लात मार देते हैं आजकल <laughs> ये उर्दू वाली <laughs> इंग्लिश क्योंकि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हो है ना आ, तो मतलब ये बहुत ज्यादा उलझनों में पड़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को जिस मुल्क जाना है उसके दाने मजबूत होने चाहिए तभी वो अच्छी मकई निकलेगी ये याद रखना बुध वाला दिन आपको परेशानियों से बचाने का दिन है लेकिन इसमें मैजिक और बुरी नज़र लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं बुध वाले दिन आप ज़ाहिर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में होगे अपने काम के साथ साथ अपने डाइट का और अपनी नींद का ख्याल रखना इस दिन आँखों की आपको हो सकता है कोई उलझन लाल आँखें हो सकती हैं गले की खराबी हो सकती है और आधे सर का दर्द भी हो सकता है जो भी मेडिसिन या मल्टीवाइटमिन लेते हो वो लेते रहो बीच में काफ़ी चीज़ें जो इबादत में कमी आ रही है वो जो एक होता है ना बायदगी से हमने नमाज नहीं पड़ी हमने दुआ करना छोड़ दिया हमने वजीफा करना छोड़ दिया ये वो दिन है जिसमें आप दोबारा से रिकनेक्ट कर सकते हो नॉट अव कर सकते हो कोई चक्री अब बंदा या बंदी आपको अपनी खूबसूरत गुफ्तु में फांसने के बाद अपना मकसद हल करने का कोशिश करेगा ये बुध वाला दिन है यानी वनसडे को बहुत एहतियात करनी है थर्सडे को आप लोगों के रुके हुए काम हो जाएंगे किसी मुल्क में एडमिशन लेना चाहो को कोर्स करना चाहो किसी बड़ी गेम में इन्वॉलमेंट होना चाहो किसी के साथ बातचीत करके आप अपना नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहो तो ये दिन आप लोगों की ज़िंदगी का एक बहुत अहम दिन है इसमें मेल मुलाकात भी है और कुछ खुफिया राजों पर से पर्दा भी हटता हुआ दिखाई दे आप लोग अपने आप को जितना स्ट्रेस फुल महसूस कर रहे हो उस दिन फिफ्टी परसेंट रिलैक्स हो जाओगे कोशिश करना कि किसी पुरफजा मकाम पे थोड़ी देर के लिए ही चाहिए चले जाओ अपने प्यारों के साथ जिनसे मोहब्बत करते हो फैमिली के साथ चले जाओ तो आप लोगों के लिए शिफा याबी वाला सिलसिला होगा थर्सडे आप लोगों को बार बार मौका नहीं देगा लेकिन इस दिन आप अपनी पसंद का इजहार कर सकते हो मकान की तब्दीली गाड़ी की तब्दीली सेलफ़ोन की तब्दीली का प्लान कर सकते हो प्रैक्टिकली भी कर सकते हो लेकिन उस दिन अगर अखराजा कम होंगे तो बेहतर है प्लानिंग का दे है पेपर पे उतार लो बिकॉज अभी बहुत सारे लोग हैं यदि हम इंतजार कर रहे हैं कि आईफोन 15 प्रो मैक्स कब आना है तो वो 12 तारीख को अनाउंस होगा उसके पाँच दिन के बाद मार्केट में अवेलेबल होगा प्राइस उसकी सेम ही होगी दो कलर नए आएंगे 48 मेगापिक्सल होगा उसका बैटरी टाइम बहुत अच्छा होगा बैक टाइटेनियम का होगा और मैं की रहा तो तौन जोड़ा एप्पल लेने बाद ही दस रहा हूँ वो पहले ही दस दिया तो पहले से बजट बना लो कि आप लोगों को एप्पल वॉच सीरीज नाइन कब लेनी है एट कब लेनी है तो स्ट्रेस को नीचे लेकर आओ रोमांटिक मोड ऑन हो जाएगा आप लोगों का फ्राइडे को जिससे दिमाग का बोझ हल्का होगा एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है बैंक से कर्जा लेना चाहो तो कर्ज़ा मिल जाएगा और अदालत में जो भी चीज़ें आपकी चल रही थी उसका फ़ैसला आपके हक में होता हुआ दिखाई दे रहा है गैर शादीशुदा लोगों के लिए बुज़ुर्गों की रजामंदी से या फिर आपकी अपनी पसंद से कोई रिश्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है वो लोग जो मेडिकल के शोबे से हैं जो मीडिया सोशल मीडिया पॉलिटिक्स या फिर आई की फील्ड से हैं या ऑनलाइन जो भी शॉप करते हैं जॉब करते हैं मार्केटिंग करते हैं या फिर बैंकिंग के शोबे से हैं या दरसो तदरीदा उन लोगों के लिए पहली बार 97 परसेंट बूस्टिंग टाइम है आप किसी भी इदारे में जाके अप्लाई कर दो किसी भी मुल्क में अप्लाई कर दो वहाँ से पांचों नहीं बल्कि दसों उंगलियां घी में रहने वाली हैं आप लोगों के लिए फ्राइडे आपको वो मौके भी देगा जो इससे पहले आपने माजी में यानी डेढ़ बरस पहले आपको जो गोल्डन मौके दिए गए थे जो चुक गए वो दोबारा से वही वाली सिचुएशन के प्लान बन जाएंगे आसान गुफ्तु में आप तक ये सितारों की लैंग्वेज हम पहुंचा रहे होते हैं जो रोजमर्रा हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जा रहा हूँ वरना तो इतना लंबा हो जाए शो के टाइम ही ख़त्म हो जाए आप लोगों के लिए ज़ाहिर एक नई शुरुआत है ये याद रखना इसमें गुफ्तगु बहुत एहतियात से करनी है आपकी किसी भी एक लफ्स को पकड़ के ब्लैक किया जा सकता है आप लोगों के करीबी जो कुलीग्स हैं वो एनीमी लिस्ट में बढ़ते जा रहे हो और आपके अंदर अंदर जो भी प्लानिंग चला रहे हैं वो आप तक पहुंच जाएगी बट आप जादू और टोने से महफूज़ रहिएगा सैटरडे आपके कर्ज़ वर्ज़ ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं रिलैक्स कहीं ट्रैवल और कहीं आराम करते हुए नज़र आ रहे हो डेटिंग शिटिंग चल रही है लेकिन इसमें बदनामी भी सैटरडे को ऑन है यानी कोई किसी हालत में आपको देख के उसको गलत ट्रांसलेट करके गैर निसाबी सरगर्मियाँ किसी और तक पहुँचाएगा जल्दबाजी का सौदा होगा और बड़ा महंगा पड़ सकता है यही ब्लैक मेलिंग डे के तौर

कितनी है 58 परसेंट है और ये सॉलिड है मेरे दोस्तों जब सॉलिड है तो 33 एंगर भी है एंगर है तो फिर जाहिर रिलेशनशिप 81 परसेंट है एंड मनी 67 परसेंट है हेल्थ है आपकी 89 21 नाइन ट्वेंटी स्टडी एंड एजुकेशन 62 परसेंट मेरे दोस्तों एंड लक आपके साथ दे रही है 64 परसेंट आप लोगों के लिए जो तस्बियाँ हैं वो हैं या कवी हो या शहीद हो ये दोनों तस्बियाँ हैं पाँच लोगों को खाना खिला सकते हो तो खिला देना आप लोग पुराने कपड़े दे सकते हो तो दे देना चावल पके हुए या कच्चे दोनों सूरतों में दान कर सकते हो कैश दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है येलो ब्लू एंड ब्लैक ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी बहुत सारी धुआएँ लिब्रा वालों के साथ हैं वेलकम कहते हैं स्कॉर्पियो को जो कि प्यारे हैं नियारे हैं और इनके वारे भी न्यारे होने वाले हैं क्योंकि ये जो प्यारे लिब्रा वाले हैं इन लोगों की ज़िंदगी के बाद अगर किसी को जंप मिल रहा है तो वो अक्रब वाले यहां पे हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन है हमारे साथ हेलो थैंक यू हैप्पी बर्थडे लिखने वालों के लिए बहुत शुक्रिया थैंक यू यार मैं मैसेज नहीं पढ़ा मुझे शर्मिंदगी हो रही है आप सब लोग लिख रहे हो आखिर पर मैं कोशिश करूंगा कि नाम सबके प्रोग्राम में शामिल कर दूँ एंड है थैंक यू को रियाल व्रेया, आपने टेन भेजें इसके लिए बहुत शुक्रिया सलामत रहो अल्लाह ताला आपके रुके हुए कामों को भी कल का सूरज निकलने से पहले ही हल कर दे एंड थैंक यू मारा खान आप भी हिलती हिलती आ गई हो यू के की हवाएं तो चली ही जा रही हैं आप पता नहीं हवा के साथ ही तो कहीं नहीं निकल गई द गैंग लीडर हमारा खान थैंक यू थैंक यू हैप्पी बर्थडे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मोहब्बत के लिए मैं टाइम कम है इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स के बारे में बता दें तो सुनो भाई उन लोगों के लिए जो के पी आर अकरब वाले हैं उस शख्स मुझको जीत के हारा है और बस इतना ही जिंदगी का खसारा है और बस कैसे कहूं कि उसका इरादा बदल गया सच तो यही है उसने पुकारा है और बस दुनिया को इसमें दर्द की शिद्दत कहां मिले आंखों से टूटता हुआ तारा है और बस लफ्जों में दर्द हिजर को महसूस करके देख कहने को मैंने वक्त गुजारा है और बस अब इनमें कोई खाब सजाने नहीं मुझे आंखों को इंतजार तुम्हारा है और बस मैंने कहा कि खाब मैं देखी है बारिशें उसने कहा कि एक इशारा है और बस इशारा ही तो है इशारों की जबान स्कॉर्प वाले बड़ी आसानी से समझते हैं लेकिन ये नहीं समझ रहे कि जो हफ्ता है उन लोगों की जिंदगी का बेहतरीन हफ्ता है इशारतन, खाब हाँ के जरिए या जो भी करीबी लोग हैं वो आपको ये बात कर रहे हैं देखो एक बात याद रखना कि परेशानियों से घबराना नहीं है वीक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ज़रूर है आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन खुश खुशसलूबी से निभाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो मून ने आप लोगों की ज़िंदगी में फाइनेंस बूस्ट किए की हैं कीमती कागजात रुपये पैसे की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है स्टार्ट विद द मंडे मंडे आपका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एंड बिजी डे है जिसमें आपको बहुत सबक मिलने वाला है कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या काम करना है और क्या नहीं करना मंडे ही वो दिन है जिसमें अगर आप घर बदलने की प्लानिंग करना चाहो मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क जाने की प्लानिंग करना चाहो लाइक वीजा इमिग्रेशन के लिए कुछ सबमिट करना चाहो तो ये गोल्डन डे है हाँ आप जरूर कर सकते हो स्टूडेंट्स जितने भी हैं हमारे वाले उन लोगों के लिए अच्छा दिन इस वजह से है मंडे कि इसमें कामयाबी के के सारे के सारे जो स्टेजेस हैं वो आप क्लियर करते हुए जा रहे हो सैप्लियां वेपलियां नहीं आ रही किसी अच्छी जगह पर एडमिशन लेते हुए पाते हुए आप दिखाई दे रहे हो एक बात याद रखना आप लोग जितने भी हमारे स्कॉर्पियो वाले अभी आपको किसी से इजाजत

आप लोगों के इजहार डायलॉग्स का टूटे हुए रिलेशन को जोड़ने का और लव बूस्टिंग का डे माना जा रहा है इसमें आप सिर्फ इनामी स्कीमों में हिस्सा मत लीजिएगा बाकी स्टॉक मार्केट क्रिप्टो करेंसी एंड गोल्ड की जो भी इन्वेस्टमेंट है की हुई है या करना चाह रहे हो उसके लिए एक बेहतरीन डे होगा आप लोगों का कामयाबी उन लोगों को भी ट्यूसडे को मिलेगी जिन लोगों ने कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है या बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है आप लोगों के बिछड़े हुए लोगों से रबते हो जाएंगे और कुछ लोग जिनके रिश्ते टूट चुके थे वो दोबारा से उन्हीं लोगों की तरफ से संदेशा आएगा पैगाम आएगा और आप लोग जो उरूज पाने वाली सीढ़ियाँ हैं उस पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है वेन्स्डे आप लोग अपने आप को थोड़ा ज़हनी तौर तौर पे पे और महसूस करोगे। बट इस दिन आपकी कामयाबियां हैं आने वाले दिनों में यही से जुड़ेंगी चीजें आप अपने लफ्जों में मिठास लेकर आओ लेकिन बहुत ज्यादा झुक मत जाओ वरना लोग आपको यह समझेंगे कि आपका कोई मतलब है जबकि आप देखो स्कॉर्पियो वालों की आदत होती है वो जिसके साथ अच्छे हैं बहुत ज्यादा ही अच्छे हो जाते हैं तो उनको लगता है कि शायद इसमें इनका कोई मतलब होगा जबकि वो आपकी नेचर है अच्छा होना लेकिन अब काफ़ी सालों से अगर हम स्कॉर्पियो को देख रहे हैं इसकी स्टडी जितने भी लोगों ने की वो ये कह रहे हैं कि शांत हो गए खामोश हो गए इनका एंगर बढ़ गया चिड़चिड़ापन ज्यादा आ गया वो क्यों रिएक्शन सामने से बड़ा बुरा आ रहा है तो इसलिए हर बंदा आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं होता अपने आप को लिमिटेड एडिशन बना के रखोगे तो बहुत दूर तक जाओगे क्योंकि हर किसी की समझ में आने वाले आप हो नहीं क्योंकि आप दिल में आते हो समझ में नहीं आते आए आए सलमान भाई लेकिन एक बात याद रखना कि अब ये जहनी तब्दीलियाँ आप लोगों की बॉडी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने वाली तब्दीलियाँ जॉब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की तब्दीलियों का डे माना जा रहा है थर्स डे इज़ अ गुड डे आप लोग अगर कहीं घूमने फिरने का प्लान कर रहे हो किसी शहर में अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ प्लान कर रहे हो तो ये एक सेफ़ डे है आप लोग बिल्कुल जा सकते हो बस इसमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है ओवर डेटेड चीज़ें दवाइयाँ या खुराक आप लोगों को थोड़ा बहुत बीमार कर सकती है आप लोगों के लिए नाक और कान के अमराज़ कहीं कहीं 2.7 परसेंट ही सही लेकिन सर उठाते हुए नज़र आ रहे इसलिए अगर आपने कोई सोचा है तो आप नाक कान गला डॉक्टर से रापता बिल्कुल कर सकते हो और मल्टी वाइटमिन यूज़ कर सकते हो जिनके यहाँ औलाद नहीं है इसी दिन आप लोग कंसीव भी कर सकते हो एक बड़ा ही पुरजोर बहुत ज़बरदस्त इमोशनली स्ट्रॉग डे माना जा रहा है फ्राइडे आप लोगों के टूटे हुए रिश्ते जोड़ने का डे है इस दिन आप एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात मोहब्बत करते हुए दिखाई दे रहे हो आपके जो साथी हैं जो भी आपके जिस भी प्रोफेशन में हो उनसे चुकन्ना रहना है आपने हर बात उन तक पहुंचानी नहीं है क्योंकि आपको अभी बहुत सारे सीक्रेट सफ़र करने हैं जो भी ख्वाब आएंगे वो आपकी ताबीर अगर नहीं पता तो उसका पता होना ज़रूरी है कि उस ख्वाब का सदका क्या देना है ताकि आप लोग स्ट्रॉग हो जाओ देखो ये जितने भी हमारे स्कॉर्पियो वाले लोग हैं क्योंकि ये वीक दानिशमंदी से चलने वाला वीक है पहले आप अपने दिल की सुनते हो दूसरों की सुनते हो इस वक्त सिर्फ दमाग की सुननी है क्योंकि ये प्लानिंग से भरा हुआ हफ्ता आपको दूर तक लेकर जाएगा किसी को डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं है कि आपने ये क्यों किया है नई शराकत दारी पेशकश हो सकती है कोई आपको ऑफर कर सकता है कि जी मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ उसका मैच करवाने के बाद आप येस और नो करना करीबी रिश्तेदार आपकी जाती जिंदगी में मुदाखलत कर सकते हैं उलझने दे सकते हैं इसलिए ज़्यादा मोन लगाने की जरूरत नहीं है जो वादा किया उसको निभाने की भी कोशिश कर शर्मिंदगी उठाना पड़ सकती है अक्रब वालू आप लोगों को जमीन जायदाद का सौदा करने से पहले मार्केट को मद्देनजर रख लो क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बेच सकते हैं जिनकी वैल्यू इस लड़ाई झगड़ा कहीं कहीं किसी के साथ बहस मुबाइसी की सूरत तक हो सकता है हाथापाई तक नहीं हो सकता है सैटरडे किसी की तीमारदारी के लिए किसी की पूछ लिए या फिर आपको रेस्ट के लिए दिया जा रहा है क्योंकि प्लैनेट आपकी तंदुरुस्ती के लिए जहाँ पे आपको इतलाएं दे रहे हैं वहाँ फैमिली के साथ कम्युनिकेट करो رابطہ करो टूटे हुए रिश्तों को बनाया जा सकता है एंड संडे आप लोगों का एक वंडरफुल डे है उन खवातीन के लिए जिनकी शादी हो के खत्म हो गई और वो दोबारा से करना चाह रहे हैं खत्म हो गई फिर से शुरू हो जाए <laughs> आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए और आप लोगों को हम बता देते हैं जितने भी स्कॉर्पियो वाले हैं कि स्कॉर्पियो वालों को आ, कौन कौन सी लव परसेंटेज है 54 आप लोगों के लिए एंगर है 45 और लोगों है? Money, है, है. आप लोगों के लिए रिलेशनशिप है 87 69 मनी सॉलिड में है इसलिए अच्छी है हेल्थ 81 परसेंट आप लोगों के लिए रूहानियत 26 परसेंट है जबरदस्त स्टडी एंड एजुकेशन है आप लोगों की 67 एंड लक आप लोगों का साथ देने वाली है 55 परसेंट सॉलिड और स्कॉपियो वालों आप लोगों की जो तस्वीया हैं वो है या अजीज़ हो या खुदूस हो दूध खुला है पैकेट वाला हसब तोफीक दे सकते हो सूजी है सूजी का हलवा हाय

मैं प्रोमो अपने चलाऊं आपको बताना चाहिए ना जी। आप, आप, आप।, आप करें जब मैं आती हूं तो अच्छा महफिल हमारे प्रोग्राम में मौजूद है <laughs> हजरत ये फर्स्ट लेडी हैं जो कि सिग्नेचर एक्सपर्ट हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को आसान किया है तारोकारीडर हैं मोहतरमा इनके गुण क्या क्या बताएं शायरा बहुत अच्छी हैं लेकिन ये अकेले में शायरी कर करके ऐसे ऐसे ताली मारती हैं <laughs> हैरान हो जाते हैं बेस्ट शेफ़ का अवार्ड ले चुकी हूँ बहुत सारी इनके स्टूडेंट्स दुनिया में खाने बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा ये आप लोगों को मोटिवेट करते हैं सो जितनी भी मोटी लड़कियाँ हैं उनका वेट करना मुश्किल काम नहीं है लेकिन दुनिया में किसी को सही सलाह देना बहुत मुश्किल है तो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी सिमी मैम के दूर दूर तक चर्चे हैं चांद पे जब इंडिया ने अपनी चांद गाड़ी उतारी तो वहाँ भी यही था अपनी गाड़ी रेव निकालो साथ में जाना तुझको बिठा लो और वो गाना भी सिमी के लिए लिखा गया था कि हम इनको चांद गाड़ी पे लेकर आते तो यहाँ के सारे मसायल हल कर लेते मैम से मीटिंग कर सकते हैं आप स्ट्रीन पर लिखा जाट कॉम यही है वो जो आपके मसाइल हल आप अब जाहिर है इतनी सारी गुफगू के बाद हम खाली हाथ तो <laughs> नहीं भेज सकते तो आप लोगों की जो भरपूर तालियाँ हैं वो तालियाँ की दर मेरी हैं

आप चेक करें कि आपकी जिंदगी में एरर कहाँ है उसे हटाने की कोशिश करें उसे ठीक करने की कोशिश करें उसके लिए रहनुमाई हासिल करें और अगर आपको है। बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसे अभी कोई कह रहा था कि स्कॉर्पियो की लाइफ अच्छी नहीं है तो अभी जी मेरी जेठानी अपने बाल बच्चों समेत यूके शिफ्ट हो गई है जी और वहाँ जाते ही उनके बच्चों के स्कूल के एडमिशन भी हो गए गाड़ी भी ले ली घर भी ले लिया और उनके तमाम काम जो है वो हो गए हैं, तो अब क्या कहें कि वो स्कॉर्पियो नहीं है या वो सही वाली है और आप गलत वाली मैं आपको सब लोग बर्थडे आपको कर रहे हैं जी मैं आप मैं लिख रहे है, <laughs> जी सर की राजा साहब की जी Uh, अभी जो कोई लोग ये लिख रहे थे ना कि वीजा नहीं लग रहा देखे मैं मेरी बात कागज कलम लेके लिख लो लिको, कहीं लिको, जाके जल्दी जून जुलाई इस 2023 से लेकर जून और जुलाई 2024 तक ये ट्रैवलिंग का टाइम है हिजरत का टाइम है घर बदलने का टाइम है मुल्क चेंज करने का टाइम है आपके लिए दी बेस्ट टाइम है तो अपनी प्लानिंग के साथ आप जाए ना प्लानिंग करेंगे नहीं और वीजा लगेगा नहीं तो फिर कैसे मसाइल हल होंगे आप अपना बैकअप अच्छा बनाएं अपनी वो जो क्या कहते हैं उसे बैलेंस शीट बैंक में आपके कितना पैसा है और फिर वो

तभी आपको वीजा और बैकअप बैकअप कि आपका पीछे घर है आपके घर वाले हैं आप वापस आएंगे ऐसा नहीं है कि आप भाग जाएंगे और वापस ही नहीं कभी आएंगे तो आप करेंगे तो लेकिन फिर भी बैकअप होना चाहिए तो आप पूरा अपना प्लानिंग के साथ अपना वीजा अप्लाई करेंगे तो कभी नहीं हो सकता की आपका रिजेक्ट हो और अगर आपको हमसे पर्सनल एडवाइस चाहिए पूछना है किस मुल्क में जाएं हमारा कहाँ जाना बेहतर है कहाँ नहीं जाना तो वो हम आपको जरूर जरूर गाइड करेंगे ठीक हो गया और एक बात ये भी कि अभी आप देखें इन्हीं इन्हीं दिनों दिनों में दिनों में तकरीबन चार लाख पाकिस्तान से लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों में गए हैं तो आखिर उनके वीजे लगे हैं तो वो गए हैं ना और अभी यूके बहुत ज्यादा आपको जॉब्स दे रहे हैं आप वहाँ कारोबार कर सकते हैं वर्क वीजे पे जा सकते हैं तो आप वहाँ के लिए अप्लाई करें तो ये बहुत अच्छा टाइम है तो प्लीज हिजरत के लिए अगर आप घर चेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं अगर आपके हालात बहुत खराब हैं तो आप घर चेंज कर लें वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है तो हम यहाँ आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं सिर्फ स्टार वीकली सुन के और चले जाते हैं आप और अगर हम दरम्यान में बोलते हैं तो आपको हमारे दो लफ्ज बोलने भी पसंद नहीं आते नहीं। कि जी क्यों बोलते हैं फालतू बात ना किया करें ये ना किया करें वो ना किया करें तो हम इसलिए आपको कोई बात नहीं बताते बट आप इसके अलावा भी हमसे क्वेश्चन करें हमसे गाइडलाइन लें हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ठीक हो गया तो ये हिजरत का साला। अभी आप को कह रहे ना, कि अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छे होते 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 हैं 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 बुरे बुरे तो बहुत क्योंकि ये ये वाटर वाटर साइन साइन है 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 आपको पता है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, है, तीन वाटर साइन है और वाटर का आपको हमेशा से पता है कि अगर दरिया समंदर पुर सुकून है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके किनारे बैठना मगर उसी में जब सैलाब आ जाता है तूफान आ जाता है तो ये बस्तियों की बस्तियां उजाड़ देता है बहा के अपने साथ ले जाता है तो ये तीन जो वाटर साइन है फिर इनके गुस्से से और इनके ग़ज़ब से और इनके कहर से बचना भी चाहिए <laughs> और जब हम कहते हैं ना कि सबसे खतरनाक स्टार कौन सा है तो उसमें जी नंबर वन जो है वो स्कॉर्पियो और एरीज़ ये दोनों खतरनाक तरीन हैं तो इनसे तो वैसे ही बच के रहना चाहिए तो देखें ये बातें तो कोई और नहीं बताएगा तो मैं आऊंगी कैप्रिकॉर्न को बताने के लिए कि के कैप्रिकॉर्न वालों ये जो सितंबर का महीना है आपके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं ना आपके करीबी लोग उनसे बच के रहो आजकल वो गॉसिप भी करेंगे आपके खिलाफ बातें भी करेंगे नेगेटिविटी भी फैलाएंगे तो आप जो हैं अगर बहुत करीबी हैं उनको छोड़ भी नहीं सकते ना उनसे दूर नहीं हो सकते तो वहां पर उनसे बहस मुबास मत करें उनके साथ आर्गू ना करें लड़ाई झगड़ा ना करें थोड़ा सा खामोश रहेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा अदरवाइज यही करीबी लोग आपके लिए आगे जाके मुश्किल पैदा करेंगे ठीक हो गया अच्छा तो एक एक सवाल गोकू आपने लिखा है कि आप मंथली वीकली एक साथ पढ़ पढ़ सकते सकते हैं हैं डेफिनेटली तस्बीआत के लिए कोई डे नहीं है कि ये मंथली है या वो है लेकिन ज्यादा महीने का जो है वो आप किसी भी दिन पढ़ सकते हो वीकली जो है वो भी किसी भी दिन पढ़ सकते हो और एक ही टाइम में भी सारी पढ़ सकते हो बिल्कुल पढ़ सकते हो जी आगे अच्छा मैं जा रही थी अल्लाह हाफिज करके लेकिन अयान जुबैर का एक सवाल नजर आया कि सर मैम प्लीज एक वीडियो बनाएं वीजा प्रोसेस के आप इतना ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ कंट्री बिल्कुल हम बनाने पे तैयार हैं लेकिन वही वाली बात है आपको कहाँ जाना है हम अगर अभी दुबई की बनाते हैं आपको यूके जाना है हम, देखना, हाँ। वैसे हम वैसे कोशिश करेंगे कि हर मुल्क की वीजा पॉलिसी जो है वीकली हम अपडेट लेकिन वो वीडियो हर कोई देखता ही नहीं है ना हम देखें अगर कोई स्टार के से हट के कोई भी वीडियो बनाते हैं ना आप ना हमारी ट्रेवल वीडियो देखते हैं ना कुकिंग वीडियो देखते हैं ना आप हमारे

Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बिन बर्थडे जी खुश <laughs> रहें सलामत रहें और ये तो नादीज कोई कह रही है बिस्मिल्लाह का वजीफा जी मैंने बता दिया जब मैं फर्स्ट आई थी ब्रेक में, आ, में लियो से पहले आई थी आ, उस वक्त मैंने बताया बड़ी डिटेल से बताया आप जाके सुन सकते हैं और उसके अलावा टिक टॉक सीमी हैदर राजा पे जाए पिन कर दिया देख लें आया यूके के बारे में पूछ रहे हैं तो चले नेक्स्ट आती हूँ जब तो फिर हम यूके के हवाले से हाँ वीजे के हवाले से आपको कुछ चंद हम टिप्स दे देंगे बाकी डिटेल इनशा इनशा सल्ला हो सके ओके okay, मैं जा रही हूं ओके वो वालों आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ आप लोगों को लग रहा है कि लिखी है किस्मत में तो ठीक है फिर देखा जा सकता है कि 70 के वालों के लिए करियर आ, इस हफ्ते कितना बेहतर है 75% तक बेहतर है आप लोगों की जिंदगी आसान होने जा रही है लेकिन ये याद रखना कि बहुत सीक्रेट मूव करना कोई भी चीज हर किसी को बताने वाली नहीं है ऑलरेडी आप माजी में बहुत नुकसान कर चुके हो एक तो पहली जो हाईलाइट आ रही है सुपर मून के बाद आप लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना वेल्थ तो जुड़ जाएगी बहुत आसानी से भी आपको मौके मिलेंगे लेकिन ओवर वेट हो तो वेट नीचे लेकर आओ जितनी भी जल्दी हो दिल की बीमारियां या किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ कहीं अभी तो 7.2 परसेंट है लेकिन खद्चा इलाज आग कर्ज मर्ज इसको कभी भी थोड़ा नहीं समझना है थोड़ा होता है लेकिन फैल जाता है तो आपको प्लीज अपनी हेल्थ का ख्याल है। है तो जो भी करना है और मंडे के अलावा भी कौन कौन से काम है उसके लिए एक लिस्ट आपको बनानी होगी मंडे आपकी फैमिली डे का एक अहम डे माना जा रहा है यानी इसमें खानदान की टूट फूट या खानदान में कोई नए रिश्ते करना चाहें किसी को अपने घर बुलाना चाहे दावत देना चाहे किसी के साथ बिजनेस शुरू करना चाहे ये फैमिली के हवाले से तो आप लोग इस दिन का इंतख्या करोगे वैसे वीजा सबमिट करने के लिए भी मंडे को बहुत अच्छा दिन माना जा रहा है और इलाज मालजे के लिए भी वो लोग जो घर बदलने की ख्वाहिश रखते हैं वो मंडे का दिन चुनेंगे प्लान कर लो जरूरी नहीं है कि उस दिन पहला कदम भी आपका उठाया जाए लेकिन बड़ा मुबारक रहने वाला है घर की बुनियाद रखना घर को बेचना या सेल करना ये है आपका मंडे का पूरा का पूरा शेड्यूल मूड स्विंग करेंगे और ट्यूजडे को आपकी जिंदगी में एक बड़ी चेंज आती हुई दिखाई दे रही है करियर के हवाले से इफ यू चेंज योर जॉब फॉर फाइनेंस और नाम यादा किसी भी चीज के लिए डू इट आप लोग नई जगहों पे इंटरव्यू दे सकते हो बहुत जल्दी आपका ये काम हो जाएगा किसी और मुल्क या शहर में आप सेटल होना चाह रहे हो शादी करके कारोबार के लिए नौकरी के लिए जाना चाह रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है आप लोगों की जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी और इन आने वाले दिनों में आप लोग जुड़ जाओगे उन लोगों के साथ जो आपको कुछ भी नहीं समझ रहे थे उन लोगों के साथ जो आपका ख्वाब रहे हैं कि ये आपके हम पल्ला हो जाए हम नवाला हो जाए उन लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त डे है वेनसडे आप लोगों को बहुत चुकन्ना रहना है ये मैजिक हाई डे है इस पर जादू टोना बुरी नज़र कोई भी बंदा पड़ सकता है और यही वो दिन है रात को जो ख्वाब आएंगे वही आपकी ताबीर होंगी मेरे रब की तरफ से पैरवी की जाएगी उन चीज़ों की भी और आपको एक खबर भी दी जाएगी जो कि आपके लाइफ करियर आपके मोहब्बत करियर के अलावा ज़ाहिर है जो रिलेशनशिप बूस्टिंग है उसके लिए भी होगी कुछ हिमायती आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे उनको अपना हम ख्याल बनाने की बजाय उनका एक ग्रुप बनाए जिन पे आपको ट्रस्ट है लेकिन अपनी लाइफ के सीक्रेट फिर वो 25 परसेंट से ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करने हैं देखो सजिटेरियस द बेस्ट ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हो लोग इसी की वजह से डरते हैं कि शक्लो सूरत है अक्ल है नसीब है इन सब चीजों में आप आगे जाते हो लेकिन आपके नसीबों को क्यों बाढ़ लगाया जाता है क्योंकि आप हर चीज पहले से प्लान अपने करीबी लोगों को भी बता रहे होते हो वो बात आपने जिसको बताई वो उस तक महदूद नहीं हर जगह तक पहुंच जाती है अब जो प्लान आप कर रहे हो उसमें एक बड़ा स्टेप नहीं उठा रहे हो काफी साल अगर आप यही देख रहे हो कि आप सिर्फ नसीब बदल जाए अचानक ही हो जाए ऐसा नहीं है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का स्टेप लो आप लोगों को एक बोल्ड स्टेप लेना बड़ा जरूरी है क्योंकि डर है ना कि यार ये पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा इसकी हेल्प क्यों लें सिर्फ निचोड़ना जरूरी नहीं है ये याद रखो कि आपको अगर किसी के साथ दोस्ती है तो वो दोस्ती बेनिफिट की है कि इससे क्या फायदा होना है तो कभी कभी दिल हल्का करने के लिए किसी के कंधे की भी जरूरत होती है आपके अल, अल्फाज किसी के आपके वजूद का मरहम भी हो जाते हैं तो सब रिश्तों को अगर सिर्फ बेनिफिट के लिए निचोड़ना शुरू कर दोगे तो आप तन रह जाओगे अब इस पॉलिसी को चेंज करो थर्सडे आप लोगों की ज़िंदगी का करियर का बहुत बड़ा दिन है इसलिए आप लोग जो भी कोई प्लान कर रहे हो अगर आप पढ़ना चाह रहे हो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो घर में फर्नीचर डलवाना चाह रहे हो को गाड़ी खरीदना चाह रहे हो तो प्लान कर लो आप लोगों का एक्स्ट्रा बजट मिल जाएगा निकल आएगा जिससे आप लोगों के आगे के दिन खराब नहीं होंगे शादी ब्याह के लिए वर चुनना बंदा चुनना या बंदी चुनना चुनने दो खुदा चुन दो तो से लेकिन अगर आप फिर भी वो वाला चुन रहे हो जो चुनती हैं चिड़िया दाना चुगती हैं उस तरह का तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है फ्राइडे एक स्टिक डे इसलिए है कि जहाँ रूहानी ताकतें आपको दी जा रही हैं फरावानी है, इश्क फरावानी है, रिस्क ये सब चीज़ें बढ़ाई जाएंगी कानूनी तौर पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो बैंक से कर्जा वर्जा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा आए अच्छे नंबरों में पास हो सकते हो निकाह की एक खास जो शुरुआत है वो हो सकती है मंगनी निकाह या किसी भी एक रिश्ते में बनते हुए नजर आ रहे हो इस रात की मतलब जितने भी ख्वाब हैं वो आपके आने वाले वक्त की बहुत सारी बेचैनियों को खत्म करेंगे तालब इलमों के लिए यह डे बहुत अच्छा है अगर आप मुल्क से बाहर जाके पढ़ना चाहो तो इस दिन कानूनी चाराजोई पेपर सबमिट या कुछ भी करवाओगे तो बहुत अच्छा है टीचर्स के लिए बैंकर्स के लिए मीडिया पर्सन के लिए और पॉलिटिशंस के लिए एक बेहतरीन दिन है ये वो दिन है जिसमें आप रोमांटिक मोड ऑन करके बैठे हो गए काहे को आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका ब्लड लव ब्लड सेल्स बूस्टिंग पोजीशन पे आ रहा है इसी वजह से अब आपके सारे काम बिल्कुल ठीक होंगे लेकिन मिसिंग पार्ट है इसपे स्पिरचुअली इबादत रियाजत तस्वीर होता है ये सारी चीजें कहीं कहीं मिस है उसको जोड़ने की कोशिश करो सैटरडे आपके घरेलू मसाइल को ख़त्म करेगा आप लोग अगर किसी मजहबी रुझान में कहीं ज्यारात पे उम्रे पे या किसी भी जगह का प्लान कर रहे हो तो बड़ा फैज़ वाला होगा अल्लाह की तरफ से आसानियाँ भी होंगी और कोई मसाइल भी खड़े नहीं होंगे सैटरडे आपके पुराने लोगों के साथ मेल मुलाकात का दिन थकावट खत्म हो जाएगी और आप लोगों को कहीं आउटिंग पे जाना चाहो तो जा सकते हो जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है इलाज मालजा कराना चाहो आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हो बुटोक्स करवा रहे हो फिलर लगवा रहे हो तो ये दिन सेफ डे है औलाद कंसीव करने के लिए सेफ डे एंड संडे आप लोगों की जिंदगी का एक अहम डे है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आपको करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को अपनी जिंदगी से निकालना होगा सिर्फ जस्ट वन डे के लिए ताकि आप जितने भी सजी चेंजेस वाले हैं आप लोगों की जिंदगी आसानी में बदल जाए क्योंकि ये सॉलिड हफ्ता है लव परसेंटेज इसी वजह से 62 परसेंट है आप लोगों का एंगर 41 परसेंट है इसी को देखा जाए तो रिलेशनशिप 89 बनी 63 आप लोगों की जिंदगी में हेल्थ 89 परसेंट और आप लोगों की रूहानियत 22% परसेंट किस्मत आपका साथ देगी स्टडी एंड एजुकेशन 64% परसेंट है और किस्मत आपका साथ देगी 51% परसेंट सॉलिड तस्बीहात जो आपको सर्जिटेरियस वालों पढ़ने हैं या वहाँ हो या वाह आप लोग सबके में बोर्ड की आज़ादी दे सकते हो परिंदों को आज़ाद कर सकते हो राइस एंड दाल मूंग राइस अलग है कुकड अनकड लेकिन दाल मूंग अनकुकड है सबका कर सकते हो कैश भी दे सकते हो डी पिंक ब्राउन एंड पर्पल ये वो कलर हैं जो आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा वालों वालों बेस्ट ऑफ एंड करते हैं। जद्दी वालों को और क्या कहती है आपकी जिंदगी ये बता रहे हैं हम अभी आप लोगों को और कहाँ है जी ये मुझे तुमसे ये कहना है मुझे तुमसे मोहब्बत थी मुझे तुमसे मोहब्बत तुम 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 है मेरे दिन रात में तुम हो मेरी हर बात में तुम हो खुशी के जितने मौसम भी तुम्हारे साथ देखे हैं मेरे जीवन का हासिल है तुम्हारे नाम के जुगनू तुम्हारे लम्स की खुशबू तुम्हारे प्यार का जादू मेरी रग-रग में शामिल है मैं अपनी जात के चाहे किसी मौसम में रहता हूं हर एक मौसम तुम्हारा है तुम्हारा साथ प्यारा है मेरे हर पल में रहती हो जो मेरा दिल है पागल सा इसी पागल में रहती हूँ सुनो तुमसे यह कहना है कि तुम मेरी मोहब्बत से कभी भी बदगुमा सिमताते हैं मैं तुमसे दूर रह पाऊं जो अब मुमकिन नहीं जाना सुनो ऐसे मोहब्बत की मुझे तजदीद करनी है पुरानी बात है लेकिन मुझे फिर भी ये कहनी है मुझे तुमसे मोहब्बत है मुझे तुमसे मोहब्बत है हर एक मौसम तुम्हारा है तुम्हारा साथ प्यारा है सुनो है हम सफर मेरी मुझे तुमसे मोहब्बत है, है। कोई लोग बीच में आए हैं कुछ कहने के लिए ऐसे ब्रेक लगा दें पाकिस्तान में बारा बज गए okay. और मशहूर एस्ट्रोलॉजर एक्टर फेमस पर्सनालिटी राजा हैदर जो है उनकी बर्थडे का टाइम शुरू हो गया है okay. तो उनको हम सब ने मिल हैप्पी बर्थडे करना है तो आप जरा हैप्पी बर्थडे करा दें हैप्पी बर्थडे वाला भी प्रोमो चलाएं ओके okay, जी चला देते हैं जी मैं अगर शर्मा रहा हूं तो प्लीज माइक नहीं करना 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

बहुत सारी दुआएं जी आपके लिए बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से और मेरी तमाम टीम और जितने भी हमारी ये फैमिली फ्रेंड जितने लोग भी यहाँ पर आते thank हैं वो सब हमारी तो, अब फैमिली का हिस्सा हैं तो उन सब की तरफ से आज और आने वाला दे, हर दिन आपके लिए खुशी सलामती प्यार मोहब्बत सुकून इतफाक इतमान सेहत तंदुरुस्ती और जिंदगी लेकर आए खुश रहे सलामत तो रहे हमेशा <laughs> मेरे साथ अल्लाह पाक आपके औलाद के सर पे आपके बेटे के सर पे आपका साया हमेशा सलामत रखे हम तीनों को एक साथ खुश खुरम सलामत रखे और सेहत तंदुस्ती जिंदगी के साथ आप जो है अपने बच्चे की और देखना और देखना अल्लाह आपको नसीब करे खुशी के झूलों में झूलते राजा थैंक तो <laughs> <laughs> यू इस मोहब्बत इस के लिए thank आपके बगैर ये सारे दिन बेकार है मैंने कभी जिंदगी में अपनी बर्थडे नहीं मनाई है सिंपली मुझे शायद अच्छा नहीं लगता है लेकिन मैं हमेशा दूसरों को सेलिब्रेट करके उनको कुछ देखे मुझे बहुत खुशी होती है लेकिन जब मेरे लिए कोई भी आप अच्छे अल्फाज लिख रहे होते हो तो मुझे लगता है कि अभी आ, मौसम बदलने हैं अभी मौसम बदलना है तो थैंक यू इस चाहत के लिए परवरदिगार आपके मन के सब पूरे करें जितने भी लोग पे मौजूद हैं एंड थैंक 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 यू 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 सो मच और सॉरी कैप्रिकॉर्न वालों आपका थोड़ा सा टाइम लिया ले और जिस भी स्टार का मैं थोड़ा थोड़ा टाइम लेती हूं, एडवांस में माजरत कबूल कर लिया करें और कोई बात नहीं बहन समझ के दोस्त समझ के बुजुर्ग समझ के माफ कर दिया करें और थोड़ा सा टाइम मुझे भी दे दिया करें ठीक हो गया चलें जी आप स्टार सुने और कैप्रिकॉर्न वालों जो मैंने आपको बात कही है प्लीज प्लीज जरूर अमल करें क्योंकि आजकल वैसे भी आपके मूड स्विंग्स चल रहे हैं

मतलब अभी मेरी नहीं है प्लीज ना नहीं खुदा का वास्ता अभी हाथ भी नहीं लगाना टच तो भी नहीं करना तो <laughs> पता है क्या मैं तारों से उलझी होती है वो जरा सी भी एक तार हिली तो पूरा मेरा सारा स्टूडियो बेकार हो जाएगा अंताना थैंक यू आपके सुपर चैट के लिए बर्डे की विशिज़ के लिए अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे और बहुत 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 खुशियां दे आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे और आपके लिए अल्लाह ताला के ख़जाने हमेशा खुले रहें थैंक यू वेरी मच जिस मकसद के लिए आपने दिया है उसको आगे भी हम पहुँचाते रहेंगे थैंक यू लेडीज़ जेंटमैन बहुत शुक्रिया मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आके आ, स, स, ये सेलिब्रेशन को जारी ओके जद्दी वालों वाल जितने भी हमारे कैपिकॉन वाले उन लोगों के लिए जिंदगी ज़ाहिर है इतनी आसान गुजरी नहीं अब जाहिर है हमारी पूरी शायरी में आ, जो भी मोहब्बत का एक दौर है वो आपका शुरू होने वाला है बूस्टिंग ऑफ लव एंड रिलेशन ये पहली बार नहीं है लेकिन ये पहली बार है कि 87 परसेंट को क्रॉस कर रहे हो आप और ये जो टूटे हुए रिश्ते हैं उनमें जान डाल जितनी भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं आप लोगों को उनको हल करने का मौका पहली दफ़ा मिल रहा है यानी पहले आपके हाथ में या इख्तियार में ये चीज़ें नहीं होती थी ये पहली बार है कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से सारी कमान दी जाएगी यानी आप में ख़ुद एतमादी इसी वजह से बढ़ेगी मंडे आपका एक बहुत ही डे होने वाला है इसमें आपका बिज़ी शेड्यूल है थोड़ा सा बॉडी में हल्का सा जो पेन है ये ट्रांजिट जब प्लानट जब मूव करते हैं तो उसकी वजह से होता है सो नो पूरे हफ्ते में कोई जादू कोई बुरी नज़र नहीं लगने वाली है अधूरे काम जो हैं वो आपके मंडे को होते हुए नजर आ रहे हैं कोई छोटी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है इनाम और क्राम मिल सकता है अगर आपने लॉटरी वगैरह या क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट में हिस्सा डाला हुआ है तो वहाँ से प्रॉफिट आपको मिल सकता है मंडे आपका तकरीर करने वाला डे नहीं है इसमें खामोश रहोगे ज्यादा दूसरों की सुनोगे और उनके हल निकालते हुए दिखाई दे रहे हो मंडे आपके करियर को बूस्ट एक किक लगने वाला दिन इसलिए माना जा रहा है कि इसमें आप सफर के मंसूबे बना सकते हो मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर सकते हो और इसको हतमी शक्ल देने के लिए पेपर वर्क या मैमोज में कुछ भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो जो आगे चल के आपको बड़ा फायदा देगा ट्यूजडे स्टूडेंट्स का डे माना जा रहा है इसमें आपकी कामयाबी आपका सफ़र आपकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है आप देखो जिस भी मैदान में जाने वाले हो उसमें 100 परसेंट कामयाबी आपको मिलेंगी इरादा मजबूत है आप लोगों का इस वजह से आप किसी भी मैदान में पीछे नहीं हटने वाले हो ये पहली बार है कि एक ऐसा स्टार आपकी ज़िंदगी में आया है जिसमें नए रिलेशनशिप बूस्ट कर रहे हैं जो काफ़ी अर्से से पेंडिंग की सूरत में चल रहे हैं ये हफ़्ता उस पर बहर लगाने का है आप लोग अगर मोहब्बत कर रहे हो आप लोग किसी रिलेशन में हो तो इसको फाइनल एक नाम देने का टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों के हक में बहुत सारे फैसले होने वाले हैं स्टूडेंट्स के अलावा अगर हम बात करें ट्यूसडे की इसमें वो ख़वानों हजरात जो काफ़ी अरसे से जिनकी मंगनियाँ हुई हैं डेट नहीं मिल रही निकाह हुए हैं रुखसती नहीं हो रही और रुखसती होने के बाद कुछ अच्छा टाइम नहीं चल रहा था ये उन लोगों का पूरा का पूरा प्लानट जापर मून ने आप लोगों पर बड़े अच्छे असर डाले हैं तो ये दो चीज़ें करेगा एक तो रिलेशनशिप को बूस्ट करेगा दूसरा मशहूर करेगा आप लोगों के नाम लेवा चाहने वालों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप वायरल हो सकते हो किस तरह अब जाहिर है आपके काम पे डिपेंड करता है कि किस काम में आप कितनी सक्सेस चाहते हो ये पहली दफा है कि इस हफ्ते से ये चौका लगेगा और बहुत दूर तक जाएगा आप लोग अगर थर्सडे की बात करते हो तो थर्सडे में आपको ल भी सुकून मिलने वाला रूहानी तौर पे आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे जो बिछड़े हुए हैं उनसे मुलाकात उनको याद करना उनके साथ बातचीत गुफ्तु या आपके मंसूबों को भी तेज़ बनाएगी आपकी रूहानी सफ़र को भी आगे लेकर जाएगी और आप लोगों को छोटे और बड़े सफर के लिए प्लानिंग करते हुए हम देख रहे हैं अगर आप स्टूडेंट हो तो अच्छे नंबरों में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हो जिनकी शादियाँ नहीं हुई उन लोगों के लिए अच्छे ख़ानदानों से रिश्ते आते हुए हम देख रहे हैं आप लोग थर्सडे को थोड़ा रूम रोमांटिक रोमांटिक रहने वाले हो लेकिन कहीं कहीं उदासी भी दिखाई दे रही है सो उदासी की मोहर को साइड पे रखो नए लोग आपकी ज़िंदगी में जितनी शिद्दत से आ रहे हैं उनके हर कदम पे नजर रखनी होगी बिकॉज वो यूजर्स होंगे या लूजर्स होंगे आप लोगों को कितना निचोड़ना है उस लेवन को उतने पे आपने फोकस करना है बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा मुर्गन चीज़ों की तरफ मच जाओ मीटी थिंग्स आपको ताकत देंगी यानी गोश्त की बनी हुई जो भी चीज़ें हैं वो आपको ताकत दे सकती हैं आप लोगों को जो भी अपने वेट के साथ करना है गेन है नीचे लाना है तो सेहत का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा तो इस रात को जो आने वाले ख्वाब हैं ये पुराने तरीकों के होंगे कुछ बरसात और कुछ अल्लाह की तरफ से खास इनायात इसकी ताबीर का पता होना बड़ा ज़रूरी और सदका भी कर सकते हो फ्राइडे आप लोगों का फुल मोहब्बत वाला डे है इसमें मुकदमा में कामयाबी दिखाई दे रही है नए घर में हिजरत करते हुए दिखाई दे रहे हो आप कोई ऐसी प्लानिंग कर लोगे कि आने वाले दिनों में आप लोग अपने आप को तनहा महसूस नहीं करोगे अचानक ही री, री लव वाले पुराने रिश्तों से भी बातचीत हो सकती है जो आपकी मुस्कुराहट को, को एक बार फिर लाइफ कर सकती है थोड़ा सा डरते हुए दिखाई दे रहे हो लेकिन पूरे हफ्ते में जादू मैजिक बुरी नजर नहीं है देखो हर कोई आपको समझेगा नहीं बेसिकली कैप्रिकॉन जितने भी लोग हैं बाय बर्थ परवर दिगार उनके अंदर एक टीचर डालता है वो टीचर इसलिए कि उनको लगता है कि वो हर किसी के लिए नहीं है लेकिन वो हर किसी के लिए ब्लैसिंग होते हैं आप छोटे छोटे मैनरिज्म किसी भी और स्टार में नहीं देखोगे वो अपने लिए तो ठीक है कि जूता पॉलिश होना चाहिए फला होना चाहिए लेकिन ये एक वाहद सितारा है जो दूसरों को टीच करने के लिए आप ये करो तो अच्छे हो जाओगे यानी दूसरों की भलाई को बूस्ट करने के लिए परवर दिगाने कैप्रिकॉन को रखा है क्योंकि महीने का आखिर और साल का शुरू इसी से होता है लेकिन एस्ट्रोलॉजी शुरू विद द इक्कीस मार्च एरीज से होती है तो इनको साइड भी इसलिए रखा कि इनको नज़र न लग जाए जबकि नज़र बहुत ज़्यादा लग रही होती है नतज आपको आपकी मर्जी के नहीं मिलते बिकॉज आप सो में से सिर्फ एक ही बंदा ऐसा डिजर्व करते हैं जो आपका हम ख्याल है। और हम मिजाज हम हम नवाला टाइप की चीज़ होती है इंटरव्यू देने के लिए आपके लिए सैटरडे बहुत ज़बरदस्त दिन है ऑनलाइन अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको सैटरडे को बहुत फ़ायदा हो सकता है संडे आपके आराम का दिन नहीं है इसमें मसरूफियत भी है कुछ अच्छा बनाते पकाते खाते और घूमते फिरते भी दिखाई दे रहे हो कुछ सरप्राइज़ मिल सकता है सन्डे को रूहानी तौर पर आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे अगर हो सके तो इस दिन पानी वाली जगहों के करीब आपको जाना रहना और थोड़े देर के लिए अपने आपको उसके सपोर्ट करना बड़ा जरूरी होगा तो कैप्रिकॉर्न वालों की अगर जिंदगी को हम गौर से देखें तो ये पूरा वीक आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग है परसेंटेज ऑफ लव 71% है बहुत जबरदस्त है एंगर 29 है मालूम नहीं क्यों अ रिलेशनशिप 85 सॉलिड मनी 67 और सॉलिड आप लोगों के लिए हेल्थ 83% है रूहानिया 27% स्टडी एंड एजुकेशन है आपकी 69% परसेंट एंड लक है आ, 64% फोर परसेंट हो बहुत जरूरी है और आप लोगों के लिए इस पूरे वीक में जो तस्बीहात हैं वो हैं जी या बसीरो या मुकीतो। आ, और आप लोगों को बारह रोटियां देनी हैं आ, और आप लोग बेसन दे सकते हो आ, आप लोग परिंदों को आज़ाद कर सकते हो और आप लोग कैश भी दे सकते हो और ग्रे आ, और सी ग्रीन एंड रेड आप पहन सकते हो ये आपके सारे वो कलर हैं जो बहुत ज़रूरी हैं बहुत ज़रूरी हैं थैंक यू वेरी मच हम लोग अभी जिनको बुलाने वाले हैं वो हैं हमारे पी रे इक्वेरियस वाले लेकिन पहले हम इसको तो गायब कर दें भाई साहब ये गायब हो गया और इक्वेरियस वाले किधर गए और हमारा ये आ गया प्यारा जिनका नाम है इक्वेरियस और ये प्यारा हमारा कौन है ये तो हमें नहीं पता लेकिन हम पता लगा सकते हैं भाई और यहाँ यहाँ ओके ये आते हैं जी आप लोगों के पहले मैसेज पर भी देखते हैं नज़र डालते हैं क्योंकि लास्ट है हमारे सामने हैं थैंक यू फॉर द सुपर चैट लेडीज जेंटलमैन आप लोगों के जो दो सितारे हैं रह गए हैं जो अभी आए मुझे लगता है कि आप लोग आखिरी जो पाँच छः सितारे उनमें ज़्यादा लोग पैदा हुए हो हु। क्योंकि जो शुरुआत होती है उसमें कम लोग होते हैं तो या तो आपको लेट नोटिफिकेशन मिलता है या फिर आपका वो सितारा नहीं इसलिए आप नहीं आते हो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा स्टार तो बिल्कुल लास्ट है लेकिन हम पूरा लाइव ट्रांसमिशन देखें के इंजॉय कर रहे होते हैं मुझे भी लाइव पसंद है वरना मैं ये रिकॉर्डेड स्टफ भी उठा के लगा सकता हूँ uh, विश करने वालों के लिए बहुत शुक्रिया लाइन लगाई है एंड वंडरफुल लास्ट बिल्कुल मैसेज पढ़ता हूँ लेकिन अभी हम एक सवालों को खराज तहसीन पेश कर दें पर उसके बाद आते हैं इन सवालों पर जो आपने लगे मेरे हमदम मेरे साथी तुम्हें तो याद ही होगा वो दिन क्या खास था जब तुम मेरी हस्ती में आए मेरी बेरंग दुनिया को तुम्हारी मुस्कुराहट ने हजारों रंग बख्शे कैसे सजाया था तुम्हें तो याद ही होगा तुम्हें मैंने बताया था कि मैं में रहता मगर तुम एक हकीकत हो मोहब्बत ही मोहब्बत हो फिर उसके बाद सब मौसम सभी मंजर तुम्हारी आंख से देखे तुम्हारे साथ जो गुजरे वो ही पल जिंदगी ठहरे तुम्हें तो होगा मुझे कब याद रहता था मुझे क्या काम करने हैं मुझे किस किस से मिलना है कहां जाना जरूरी है खफा कोई है क्यों मुझसे किसे जाकर मनाना है मुझे कब याद रहता था मेरे मामूल तो तुम थी तुम्हें सब याद रखती थी मैं अपने दिल की सब बातें तुम ही से कहता था तुम्हारी भी यही आदत थी तुम्हें तो याद ही होगा मैं अक्सर तुमसे कहता था अभी इस जिंदगी के साथ कितने रोग लिपटे हैं मुझे तुमसे मोहब्बत की जरा फुर्सत नहीं मिलती जरा वो वक्त आने दो जरा फुर्सत मिले मुझको बिठा के सामने तुमको तुम्हें जी भर में देखूंगा बताऊंगा मुझे तुमसे मोहब्बत से मोहब्बत है मुझे इस दम मिली फुर्सत कि जब ये बात सुनने को नहीं तुम सामने मिले। मेरी तुम वहां पर हो जहां से लौट कर वापस कभी कोई नहीं आता तुम्हें क्यों इतनी जल्दी थी मेरा इकरार सुन लेती इजहार ले अब फुर्सत ही फुर्सत है कि अब मामूल में मेरे फकत तुमसे मोहब्बत है मगर यह भी हकीकत है कि मैं ताखिर से पहुंचा तुम्हें जाने की जल्दी थी तुम्हें जाने की जिनको जल्दी है उनको रोको मत और जो रुक गए हैं उनको मत क्योंकि जिंदगी जिंदगी चल रही है भाग रही है ये आपके इख्तियार से अब निकल चुका है अक्सर लोग ये कहते हैं बिछड़ गया जो जमाना उसे भुला भी तो होता नहीं मुमकिन नहीं अब आप किस किस को भुला पाओगे और कौन कौन आपकी जिंदगी में रहेगा मेरे प्यारे वालों ये इस हफ्ते साबित हो जाएगा ये अफ्तार दूसरे हफ्तों की नस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है नींद वही खाब वही ज़िंदगी वही गुलजार वही फूड वही और पानी वही ये सब चीज़ें वीक में नहीं आती हैं जैसे दिल धड़कने को आपके इख्तियार में नहीं दिया जा सकता है पलक छपकना आपके इख्तियार में नहीं ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो सांस ले रहे हो ये आपका इख्तियार नहीं ये वो बिल्टन चीज़ें हैं जो आप लेते ही लेते हो आप चाहो ना चाहो होश में हो या सो जाओ यहां बात हो रही है आपके रिलेशनशिप की खास रिलेशनशिप आपका जो डिप्रेशन मोड है ना वो आपने खुद ऑन कर रखा है क्योंकि आप वाले नहीं थे लेकिन हो गए हो अब वो खुद एतमादी में कमी क्यों आई इस हफ्ते तो बहुत क्लीन हो रहा है वो तो क्यों आई बहुत ज्यादा लोडेड हो जाने के बाद दुश्मन बहुत है जादू बार बार हो रहा है इस हफ्ते भी तीन बार होना है मैजिक बुरी नजर ये चीजें चलती हैं इसीलिए हम आपको कहते हैं सारा जरूरी है। और रिफ्रेश करते रहा करो हर किसी से मत करो देखो इस हफ्ते अगर हम मंडे की बात कर रहे हैं तो कुछ इख्तियार हैं आपके पास रिलेशनशिप न्यू की तरफ जाने का अगर आपको ये लगता है कि ये बंदा या ये बंदी आपकी जिंदगी भर सरमाया है इसी के साथ आप हैप्पी रह सकते हो आंखें बंद करके सोचो या खोल के तो फिर ना फिर आपको इंतजार नहीं करना और पछताना भी नहीं जो लोग जाहिर है फैसला करते हैं और किसी से मशवरा जरूर ले लेना क्योंकि बाजूकात मोहब्बत की जो पट्टी है वो आंखों बंदी होती है आपको नजर नहीं आ रहा होता लेकिन वो आपको इस्तेमाल कर रहा होता है ये वो आपके लिए ठीक नहीं होता पहले अगर हम, अगर हम आपको आज से तीन साल पहले देखते तो आप थोड़े सेल्फिश भी हो सकते थे मतलब प्लान बहुत तेजी से आपके मिजाज को तब्दील कर रहे हैं कि हाँ जी मैं ठीक हूँ ना मेरे लिए काम चल रहा है ना बाकी जाए बाहर में लेकिन अब आप सबका ख्याल रखते हो जब सबका ख्याल रखते हो तो डिप्रेशन लेवल ऑन होता है मंडे आपकी उस चीज़ को रिफ्रेश करेगा आपको शांति मिलेगी सुकून मिलेगा मंडे आपके घर की तब्दीली के लिए कोई नया कोर्स करने के लिए मुल्क से बाहर जाने की प्लानिंग या सिटी से बाहर जाने की प्लानिंग कहीं आउटडोर एक्टिविटीज़ करने का कुछ भी आप प्लान कर रहे हो तो मंडे एक वाह है जो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है इसमें रूहानी तौर तो पर भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो थोड़ी सी जो खाबों की ताबीर होगी उसकी जानकारी आपके लिए बड़ी जरूरी है जाहिर है उनकी अगर आपको पहचान नहीं है तो जाहिर मेरे मेरे शो में आ जाना वरना ये जो लिखा है इस पर आके आप बात कर सकते हो सीमी मैम के शो होता है उसमें आके आप खाबों की ताबीर पूछ सकते हो तो हम आपको पूरा उसका गाइड कर देंगे अच्छा मंडे जाहिर है आपके ओवर बजट की तरफ नहीं जाना है अखराज फालतू के नहीं करने जिन चीज़ों की आपको जरूरत नहीं है उनको डबल डबल ख़रीदने की कोशिश भी मत करना मार्केटिंग में मत जाया करो कि महँगाई हो रही है ये चीज़ें आगे चल के भी बड़ी महंगी हो जाएंगी हर चीज़ ने महंगा होना है लेकिन जो चीज़ है पहले उसको ख़त्म होने दो वक्त आने पर आपको अल्लाह तला की तरफ से वो दुगनी तिगनी चीज़ें मिल जाएंगी चूजें आप लोगों को सूपो मोन की तरफ से आपके मुकाबले में कोई नहीं आपकी पर्सनालिटी का माहिर है बूस्ट करना शुरू कर देगी कहीं से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है कहीं से जॉब की ऑफर आ सकती है अगर आप जॉब छोड़ना चाहो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परवरदिगार की तरफ से मनसूबे बनना शुरू हो जाएंगे आपको लोग मिलना शुरू हो जाएंगे अच्छा जो पुराने लोग हैं बहुत पुराने जो जिनके से जिन ब्रेकअप हो चुका है जो ख़त्म हो चुका है उनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा शमूलियत का मौका मत दीजिएगा वरना डिप्रेशन और ज़्यादा चला जाएगा बहुत ज़्यादा जो अंडरवेट हैं जो आप लोग खुराक नहीं खाते रहे रहे हो बहुत रहे हो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ जा आप लोगों को फूड प्रोसेस बढ़ाना होगा दिल चाहे चाहे या आप अपने जीपी से करो कौन, -कौन जहां खड़े हो जाओ वहां सब लोगों की निगाहें आपके ऊपर मरकूस हो जाती है।, आप, simply, अगर को डांस आता है तो आप अच्छे डांसर किसी को गाना आता है तो अच्छे गाने वाले अगर किसी को ब्रश चलाना आता है तो आपसे बड़ा मेकअप आर्टिस्ट आप या आपसे बड़ा कलाकार या एक्टर या पॉलिटिशियन या कोई भी बैंकर या टीचर नहीं हो सकता लेकिन उन सब में वो जो बैड आई लग रही होती है नज़र लग रही होती है मुसलसल आपके उस काम में सलाहियत में खलल डाल रहे होते हैं वरना जो प्लान आप करके बैठे हो कि मैं एक बड़ा टैलेंटेड आदमी औरत हूँ मुझे ये ये प्रॉब्लम्स क्यों फेस करने पड़ रहे हैं इसलिए कि आप दूसरों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपने गले में डाल रहे होते हो आजकल ख़ुद का जीना बड़ा ज़रूरी हो जाता है बुध वाला दिन आप लोगों का वीज़ा सबमिट करने का कि ट्रैवल करने का किसी घर पर आना जाना अयादत के लिए या डिनर विनर के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बहुत बेहतर बैंक से कोई डील मिल सकती है कमेटी वगैरह डाली है तो आप लोगों को वो पैसे मिल सकते हैं रुकी रकम है, में मिल सकती हैं खुशहाली में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है वेन्स जो आपका है वो दूसरों पे असर डालेगा बड़ा पावरफुल ये वो दिन है जिसमें आप जो भी बात करोगे दूसरे ग्रिप हो जाएंगे मैग्नेट पावर ऑन है इसमें तो इसलिए आपके मद्दाहों में या चाहने वालों में जिससे काम लेना है डे का इंतखब कीजिएगा टेलीफोन पर बात हुई या बिलमुशाफा मुलाकात करने के बाद आप अपने उस टारगेट को अचीव कर लोगे थर्सडे आप लोगों का रोमांटिक मोड जरूरत से ज़्यादा ऑन हो जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि आप आज़ाद पंछी की तरह निकल जाओ इस पिंजरे से लेकिन फिर आपको थोड़ी देर के बाद होश आ जाएगा ये वो टाइम है जिसमें आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ आ, कहीं आउटिंग करनी है बात करनी है क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपकी उन सलाहियतों को रोकने की कोशिश करेंगे जो आप के लिए गैर ज़रूरी है ये जो आपका फ्राइडे है इसमें कुछ जिम्मेदारियां ओवर आपको मिलने का इम्कान है आ, इजाफी अखराजात जो हैं उनकी तरफ मत जाओ वरना कर्जे में डूब जाओगे वे परेशानियाँ हो सकती हैं और जितने भी लोग जिनके ताल्लुक ख़त्म हो चुके हैं आ, अपनी सहेलियों दोस्तों या बॉसेस के साथ उनका रिफ्रेश करने वाला टाइम है लेकिन उसको एक लिमिट पे जाना है 25 परसेंट से ज़्यादा आपको उनके सामने खुलना नहीं है। वरना वो होता है ना कि कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले और ओह बेबाक हो जाते वैसा नहीं होना है वरना आप ही इस्तेमाल हो जाओगे बजाय आप किसी से कोई रिलैक्सेशन एक्सपेक्ट uh, कर रहे हैं वो नहीं होगा मंसूबे बहुत जबरदस्त आपने जो भी बनाए हैं वो पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे अगर आप कोई कोर्स करना चाहो तो सैटरडे एक बहुत जबरदस्त दिन है या ससुराल जाना चाहो अगर आप शादीशुदा हो या किसी के साथ बातचीत करना चाहो मम्मी को चाय पे बुलाना है किसी को तो इस दिन आप उनके साथ ताल्लुक को मजबूत बना सकते हो रिलेशनशिप बूस्ट करने का दिन है कंसीव uh, करने के लिए बेबी प्लान करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है संडे आप लोगों की जिंदगी का एक अहम दिन है जिसमें रूहानियत ज्यादा हो रही है जिस नींद का गलबा ज्यादा रहने वाला है अपनी सेविंग का किसी को बताना नहीं है कि कितनी सेविंग आपको की हुई है और उसको गोल्ड में भी इन्वेस्ट नहीं करना है संडे सिर्फ और सिर्फ आपको सीक्रेट मूव ऑनलाइन जितनी भी मालूम ले सकते हो या किसी के साथ बातचीत करना है संडे उसके लिए एक ख़ास दिन है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है इक्वेरीज वालों आप लोगों के लिए लव परसेंटेज कितनी रहने वाली फिफ्टी फोर परसेंट रहने वाली थर्टी टू परसेंट आप लोगों के लिए रिलेशनशिप सेवेंटी एट परसेंट मनी 69 परसेंट आप लोगों के लिए हेल्थ रहने वाली है 91 वन रूहानियत ट्वेंटी परसेंट स्टडी एंड एजुकेशन रहने वाली है 75 और यूँ किस्मत आपका साथ देगी 53 परसेंट जो तस्वीर पढ़नी है, हमारे प्यारे प्यारेक्वेरिस वालों ने वो तस्वीर हैं या अली या रकीब सबके में खीर दे सकते हो दाल मसूर अनको थालत में दे सकते हो मीट विद बोन्स, आप जानवरों पर दो इंसानों को दे सकते हो इन दे सकते हो कलर ब्लू ऑरेंज एंड ब्लैक ये तीनों कलर आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा एंड थैंक यू वेरी मच प्राइवेट मीटिंग के लिए स्क्रीन पे हमने लिख दिया है ई मेल एंड फीमेल हो या मेल हो सभी लोग हमें मैसेज कर सकते हैं पाइसेस वाले आ गए हैं लेकिन पाइसेस से पहले मैं लास्ट बार फिर से ऐलान कर दूँ क्योंकि ठीक कुछ दिन के बाद यानी ये जो कमिंग वीक है इसके एंड पे मैं मौजूद होऊंगा आप लोगों के साथ यू के यू के मेरा ऑन हो चुका है लंडन एडनब्रा मैनचेस्टर ग्लासगो एंड

आपका पर्सनल प्रॉब्लम है के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है जो बुर्ज खलीफा के टॉप पे रह रहे होंगे ना उनमें भी कोई ना कोई पाइसिस होगा ठीक है ये बड़े बड़े सियासतदान बड़े बंगलों वाले अमीर महलों वाले बड़ी गाड़िया जिनके पास पाँच करोड़ की है ये भी आप जो, जो इंडिया की ये जो चांद गाड़ी चांद पे पहुंची है उनमें जो तीन बड़े जो साइंसदान है में एक है और अच्छा चले ये आपको ना हाँ। अगर अपने घर की बात बताऊं हम दो बहनें कैप्रिकॉन हैं अब मैं कैप्रिकॉन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज ही से ज्यादा दुनिया का सफर कर चुकी हूँ आपको तो पता है अल्लाह पाक ने हर तरीके से बहुत नवाजा लेकिन मेरी दूसरी बहन जो मेरी देवरानी भी है वो भी कैप्रिकॉन है

एक बहन मेरी पाइसेज है जो के कैनेडियन नेशनल है तो मतलब वो भी पाइसेज है ना अल्लाह पाक का बड़ा करम है अच्छी औलाद है घर है सब कुछ है उसके बाद तो आप प्लीज थोड़ा सा एजुकेशन ये वाली भी हासिल कर लें जब हम आपको बताते हैं आपका पर्सनल प्रॉब्लम है हो सकता है बंदिश जो रुकावट हो नजरें बद कुछ भी मामला हो सकता है, है। लेकिन आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रही है तो आप उस कि उसका जाके पता करवाया करें जिसके पास भी ये इल्म है अगर राजा हैदर के पास जाते हैं या किसी भी स्ट्रॉलोजर के पास कौन जो रीडिंग करता हो आप उसके पास जाएं और देखें प्रॉब्लम कहाँ है उसको ठीक करने की कोशिश करें कभी कभी आपके घर का नंबर आपको सूट नहीं करता बिलीव मी जो मैं आपसे बातें करती हूँ ना जैसे मैं कहती हूँ सिग्नेचर के हवाले से सिग्नेचर अगर ठीक नहीं है लाइफ में आप डोनाल्ड ट्रम्प के सिग्नेचर जाके देखें फिर आके मुझसे बात कीजिए उसके सिग्नेचर अप डाउन अप डाउन और उसकी लाइफ देख लें वैसे ही चल रही है तो आपकी लाइफ में भी हो सकता है आपने अपने दस्तखत में कोई ऐसी प्रॉब्लम की है कि आपकी लाइफ जो है वो स्ट्रक हो गई है दस साल से या सात साल से ये भी हो सकता है फिर ये भी हो सकता है आपने जो घर लिया है उसका नंबर ऐसा है जो आपके नंबर के साथ सूट नहीं कर रहा आपकी लकी नंबर आपका जो आ, वो स्ट्रेंथ का नंबर है उसको सूट नहीं कर रहा आपके बर्थ नंबर के साथ वो मैच नहीं कर रहा तो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है वो शहर आपको सूट नहीं कर रहा वो कंट्री बाद दफा लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं वो दिनों में बादशाह बन जाते हैं कुछ लोग अपने मुल्क में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं वो नहीं वहाँ स्टे कर सकते क्योंकि उनको वो वाली मट्टी सूट नहीं करती तो प्लीज थोड़ा सा गाइड ले लें हमसे ले हम लें ले, मीटिंग करें पर्सनल अगर प्रॉब्लम ज्यादा है ठीक है तो नेक्स्ट टाइम प्लीज कोई के ना लिखे के के ठीक होंगे अल्लाह रखे और अच्छा अच्छा सोचे और अच्छा अच्छा होगा आज से सोचना शुरू कर दो ये जो कह रही हैं। तो हाँ। है ना पाइसिस कोई भी स्टार वाला इंशाल्लाह सब अच्छा होगा इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह बेहतर होगा मैं मेहनत करूंगा अल्लाह मेरे साथ है सब अच्छा होगा आप देखें दिनों में आपके हालात बदलते ना बदले इधर मुझे पकड़े और मैंने इसीलिए आज के बिल्कुल लास्ट पे जो चार नंबर लिखे हैं वो, है, और वो यही है ना कि जब कभी वो आपकी कबूल नहीं करता तो उस पर भी खुश हुआ करें दो नफर शुक्राने के अदा करें हो सकता है जो अगर ये दुआ कबूल ज़बरदस्ती करवा ली जाती तो कल को यही शक या यही चीज़ जो है मेरी जिंदगी में जहन्नुम बन जाता तो वो अल्लाह नहीं चाहता ना वो आपके फ्यूचर को जानता है वो जानता है कि आपको क्या चीज़ देनी है कब देनी है वक्त उसने तय करना है और चीज़ को देना ना देना भी उसने तय करना है हमारा काम सिर्फ दुआएँ करना है हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है हमारा काम उसकी रजा में राज़ी रहना है उसने जो दिया उस पर शुक्र अदा करना है और जो नहीं दिया उसके लिए दुआएं जरूर करनी है लेकिन हर वक्त उसके लिए रोना धोना नहीं मचाना दिन में क्या शुक्र हमारे पास हैं उसको याद रखें तो आप भूल जाएंगे कि आपके पास गाड़ी है नहीं या वीजा लगा नहीं लगा शादी हुई है या नहीं सही. है जो हैं चीजें जैसे अल्लाह माफ करे कि जीता जागता इंसान दुनिया से चला गया या फिर ये भी होता है कि सही सलामत अचानक से फॉलिज का अटैक हुआ और वो अपने पाओं पे दोबारा नहीं खड़ा हो पारा तो अल्लाह ने अगर इतनी नेमतें दी है मुझे लगता है शुक्रगुजारी पहले बात है और सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह की तस्वीर पढ़ें अस्तफर की तस्वीर पढ़ें आप देखें दिनों में आपके हालात बदलेंगे और फिर बहुत सारे लोग जो कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं टेंशन है ये है वो है तो आप लोग लाहौल वाला कुआता है अल्ला बिल्ला हिल अली अलीम की तस्वीर किया करें नाइनटी नाइन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं मुसीबतें दूर होती हैं

नजर हम करने लगे हैं मुमकिन है ये सब नजरों का धोखा हो कुछ इस बुझती आग में अब भी जलता हूं उसके अंदर भी कुछ छं से टूटा हो शायद उसने पीछे मुड़के देखा हो हंसते हंसते आंखें भर ही आती हैं खुशियों से जब हम का मौसम निपटा हो तेरी खातिर मैं ये दूरी सहता हूं वरना दिल को कब है ख्वाहिश ऐसा हो उसकी चाहत से मैं ऐसे पलटा हूं जैसे वापस जाने का भी रास्ता हो मैं तुमको भूलू तुम, तुम मुझको याद रखो सोच रहा हूं ऐसे हो तो कैसा हो इस खातिर मैं लोगों से भी मिलता हूं ये ना पूछे कोई मुझसे तनाव सोचता रहता था मैं जो वो कभी देखा न था और जो देखा था मैंने वो कभी सोचा न था ये मेरी तकदीर की की हो तो हो। रात की आँखों का काजल इस कदर गहरा न था लोग चेहरे पे मेरे अपने ही खम लिखते रहे जब भी रोया था मैं अपने वास्ते रोया न था कुर्बतों की दूरियां शायद इसी का नाम है सामने बैठे था मेरे और वो मेरा न था सच कहूं तो ये मोहब्बत पास ही आई नहीं खो दिया वो कुछ भी उसमें जो कभी पाया न था था मुझे अपना समझने का बहुत दावा तुम्हें क्यों मेरा आंसू तुम्हारी आंख से टपका न था के बाल बिखरे और दिल मातम कुना सच कहूं तो मौत मेरी सानिया ऐसा न था सांस लेने की रिवायत सी पड़ी थी शहर में सांस लेते थे सभी पर कोई भी जिंदा न था जाने कैसे दौर में हम जी रहे थे दोस्त आयने बिखरे पड़े थे एक भी चेहरा न था एक भी चेहरा न था जब चेहरे न हो दिखने के लिए तो फिर आपको आयना बदलना है या फिर खुद का मेजाज इस फैसले को कौन करेगा पहले तो आपको ये देखना है हर फैसले से पहले एक छोटा फैसला लिया जाता है वालों पूरा वीक फैसले की खड़ी है ये आपके रिलेशन और आप लोगों के करियर के लिए बहुत अहम हफ्ता माना जा रहा है इसमें बहुत सारी जो गुजशत हफ्ते अगर हम बात करेंगे जो रनिंग में चल रहा है इसमें कहीं कहीं उदासियाँ कहीं कहीं मायूसियाँ कहीं तलखियाँ हेल्थ इश्यूज और बहुत रोना धोना सैड एलिमेंट रहे हैं लेकिन ज़ाहिर है उसका कोई फर्स्ट स्टेप कहीं और से आया है इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर मत डालो ये फर्स्ट स्टेप आपकी तरफ से था गलत अगर आप कोई भी काम करते हो फर्स करो अगर आपने कोई एक जॉब अपॉर्चुनिटी है सिर्फ ईगो की वजह से या किसी अब बंदे की वजह से छोड़ दी है तो ये आपकी गलती वहाँ रह के भी आप उसको सुधार सकते थे जब हाथ में कोई एक डोर होती है ना तो उस वक्त आप सब कुछ होते हो लेकिन ये भी प्लान रखो कि डोर कटने के बाद आपका प्लान भी क्या है हम जिंदगी में जितने भी पाइसिस वालों की अगर हम बात करेंगे तो ये एक मजबूत जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा है लेकिन अचानक ही एक जो आँच आती है ना उस कांच के गिलास पे तो वो पूरा बिखेर के रख देती है गुजश्ता हफ्तों को अगर हम छोड़ देते हैं इस आपकी जिंदगी में क्या होना है, तो ये चमकता हुआ रोशन है। लेकिन गलत फैसले फिर से नहीं करते तो इख्तियार करना है देखो अल्लाह की तरफ से सबसे पहले हम फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो आप एटी वन परसेंट बहुत स्ट्रॉग है बहुत जबरदस्त है आप लोगों को मौके मिलेंगे इख्तियार मिलेंगे जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो छोटी जॉब ही सही लेकिन जहां पे सुकून कल्ब हो वो बहुत जरूरी है तकरीर करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हर कोई आपके दर्द को नहीं समझ सकता आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही होगा लेकिन कहने का तरीका अंदाजे भया गलत हो सकता है तो शायद आप साफ दिल के हो इसलिए हर बात साफ कर देते हो लेकिन ये भी तो देखो कि अगर आज आप ऐसे हो तो किसकी वजह से हो पहले उसको डिस्कवर करना फिर वाले अपनी उन पेशा वारा सरगर्मियों में जाए उन रिलेशनशिप्स की तरफ जाए मंडे आपका एक अच्छा दिन है जिसमें इख्तियार दिए जाएंगे लेकिन रिपीट ना हो कोई भी चीज ये याद रखना आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी आप लोगों की जिंदगी में जो बहुत सीरियस नोयत की चीजें आपको परेशान कर रही थी स्ट्रेस लेवल हो रहा था वो अचानक ही खत्म हो जाएगा और मंडे आपका एक गोल्डन डे बन जाएगा इस दिन अगर आप मुलाजमत के ही और इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहो तो जा सकते हो लेकिन एक बात याद रखना वालों ये पूरा वीक जो है ये न्यू लोगों के ट्रैप से भरा पड़ा अगर कोई रिश्ता आता है तो फौरन हाँ नहीं करनी आपको मैच करवाना है किसी ने अगर कोई बिजनेस ऑफर किया है या कोई आपको दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो बिल्कुल नहीं बढ़ाना है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होगा क्योंकि यहाँ मून ने जो आपको दिया है वो सिर्फ नेगेटिविटी दी है लोगों की तरफ से उनके असली चेहरे सामने आएंगे नहीं लेकिन आपका मैच करना जरूरी है इस पूरे हफ्ते में बेख्तियार खाब आएंगे हर खाब का अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होगा उसकी ताबीर का पता होना उसका सद या उसकी जो भी पढ़ाई होती है वो करना बड़ा जरूरी है मंडे आपको इस तरह की बहुत सारी चीजों से रोशनास करवाएगा ट्यूजडे को हम देखते हैं ट्यूसडे आपके असासों के लिए अगर फैमिली में कोई एक कंडीशन है कि जी पैसा आपके हिस्से में आना है अदालत में कोई मुकदमा चल रहा था बैंक के कोई मामला अधूरे हैं जो कि आप समझते हो कि ये बहुत ज़रूरी है पैसा ट्रांसफर करना है बैंक अकाउंट शुरू करना है ख़त्म करना है आई कार्ड बनाना है पासपोर्ट करना है तो ये डे आपके लिए एक लाजवा डे है इस पर कर देना क्योंकि आगे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे गाड़ी सवारी लोहा गोल्ड इसमें पैसा नहीं लगाना है थोड़ा होल्ड करके रखना है वेनसडे आपके लिए एक शानदार डे किसी के घर आना जाना हो या कोई आपकी तरफ आए तो बहुत ज्यादा नहीं होनी वरना वो आपकी ज़िंदगी के जाती मामलात में इंटरेस्ट लेके आपसे कोई कोई ना कुई राज उगलवाने की कोशिश करेंगे बड़े ही स्वीट फेस के साथ बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको टो होते हैं अच्छा पता तो करें जरा क्योंकि वही तो आपके दुश्मन है आपको जिसको आपसे मोहब्बत है ना वो आपकी हर चीज से प्यार करेगा आप कुछ बुरा भी कर रहे हो तो उसको मजा आता है बच्चे शरारत कर रहे होते हैं तो गुस्सा आ रहा हूं उसने माँ प्यो खुश हो रहे हैं बचा कितना अच्छा मिट्टी में लोट पोट हो रहा है और आप कह रहे हो यार कितने बदतमीज बच्चे तो मोहब्बत एक अलग कैटेगरी की चीज है अब भाई आप अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर दोगे वेन्सडे आपकी जिंदगी में फूड के लिए बड़ा अहम है इसमें भूख बहुत लगेगी नींद भी बहुत आएगी बार बार आएगी और बार बार भूख लगेगी तो जितना भी आप खा सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप लोगों को खाना चाहिए यहां से आपका रिलेशन जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई उन लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन फिर कमरी तारीखों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको यही कहेंगे कि आपको फॉरन डिसीजन नहीं लेना है बैलेंस करना होगा अपने वेट को एंड फूड को एंड डाइट

अगर आप लोग पुराने हैं, ज, जैसे उन बहनों की उन भाइयों की जिनकी शादी हो चुकी है और खत्म हो चुकी है री करना चाहेंगे तो वो उनके लिए ठीक नहीं है लेकिन न्यू रिलेशनशिप की तरफ अगर जाना चाहोगे तो उसका मैच हंड्रेड करना जरूरी है ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप मिल रही है हो सकता है आने वाले दिनों में जितने भी लोग शहर से बाहर या मुल्क से बाहर पढ़ने के या कोई कोर्स करने के ख्वाहिशमंद है उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो ऑनलाइन मालूम ले सकते हो पेपर बुक कर सकते हो लेकिन इसमें सबसे अहम है एक एक घंटा कि अगर आपने कहीं पे एक घंटे में कोई भी एक ऐसा एक्ट करना है जो पेपर में आना ज़रूरी है जैसे कि बैंक अकाउंट है जैसे कि अदालत में कोई मुकदमा है टैक्स के मामला हैं इन सब में चूक बर्दाश्त नहीं कीजिएगा क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे सिलसिले को खराब कर देगा बहुत सारे लोग आप पे कोई इल्ज़ाम या लगाने की कोशिश करेंगे करीबी लोग होंगे जो कि फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिनों का सा होगा वैसे रूहानी तौर पर बड़ा स्ट्रोंग है फ्राइडे की अगर हम बात करें तो इस दिन कोशिश कीजिएगा कोई भी नई शर्ट टॉप कोई भी दुपट्टा कोई शलवार कोई कमीज कुछ मोजे कोई एक चीज नई जरूर पहने और गुस्ल जरूर करें क्योंकि ये आपकी हेल्थ और आपके वो जो नेगेटिव जितनी भी जादू टोने की चीज़ें उसको खत्म कर देगा ओनली फ्राइडे सैटरडे को जंप करते हैं जिसमें आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा लेकिन आप वैसे ही बहुत बोझल महसूस करोगे खामोश रहोगे तो प्लीज़ अपने आप को बिजी रखने के लिए जो भी काम कर सकते हो घर से बाहर जाना है खाना खाने के लिए तो बहुत एहतियात करनी होगी क्योंकि ये वो दिन है जिसमें अगर आप घर से बाहर जाते हो तो ट्रैप किया जाता है फूड में कोई नुक्स निकल आता है इसलिए घर पर ही मंगवा लो कुछ भी जो भी ऑनलाइन uh, ऑर्डर्स होते हैं वो कर सकते हो जज्बाती महसूस करोगे फीलिंग बहुत ज्यादा होंगी मोहब्बत क्योंकि मोहब्बत का परसेंटेज बढ़ रहा है इस वजह से इस दिन रजामंदी का दिन भी कहा जाता है घरेलू इख्तलाफा कहीं कहीं खत्म होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं संडे बैरून मुल्क से कोई ऑफर आ सकती है किसी का रिश्ता आ सकता है किसी दूर गए हुए अपने से बातचीत हो सकती है रिश्तों को निभाने के लिए संडे एक खास डे है आयादत के लिए जा सकते हो किसी दावत के लिए जा सकते हो कर्ज किसी को देना नहीं है कर्ज ले सकते हो लेकिन दे नहीं सकते हो संडे आपका बिजी डे है हो सकता है कि कोई दोस्त शिकवा शिकायत करे कोई सहेली शिकवा शिकायत करे जिसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है शटअप कॉल नहीं देनी लेकिन आपने उनको कहना है

आप लोगों के लिए जो तस्बीहात आपको पढ़नी है वो या क्यूम हो या बातिन और आप लोग गुड़ या स्वीट्स या चॉकलेट या टॉफी ये सदके में दे सकते हो शुगर दे सकते हो आप सदके में आप पुराने कपड़े दे सकते हो आप लोग कैश दे सकते हो ब्लैक कलर वाइट कलर ब्राउन कलर पहन सकते हो और आप लोगों के लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा थैंक यू बहुत शुक्रिया मैम से मौजूद यस सबका बहुत बहुत सारा शुक्रिया okay. और आखिर में एक ऐलान भी कर देते हैं कि हमने बीच के काफी दिनों में आपके क्वेश्चन आंसर का शो नहीं किया नेक्स्ट जो हम स्टार शो करेंगे उसके आखिर में हम आपको 10-15 मिनट देंगे जिसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कल जो आपका शो होना है उसमें क्वेश्चन उसमें भी कर, कर सकते हैं।, हैं लेकिन स्टार शो में भी जो आपका स्टार का शो होगा ना तो मैं दरमियान में नहीं आऊंगी बस शो के एंड पे हम थोड़ा सा टाइम रख रख लेंगे लेंगे आधा घंटा जिसमें हम आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे मेरे चैनल जो भी मैंने अपने चैनल से आपको वहाँ पर चैट में भी किया है आप उसको जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी और वहां पर आप सब्सक्राइब करें और अभी शो के बाद उसी चैनल पे आप कमेंट में अपना नाम डेट ऑफ बर्थ और एक क्वेश्चन वहाँ पर लिख दें लिख हमारी टीम जो है नोट कर लेगी और हम उनमें से पांच छह लोगों को जो डिजर्व करते हैं जिनका वाकई में कोई मसला मसाइल ज्यादा है हम उनको नेक्स्ट अपने शो में फ्री में आपको एक सवाल का जवाब जो है वो देंगे अब एक सवाल का मतलब एक सवाल है कुछ भी एक ये नहीं है कि पूरी लाइफ का बता दें तो वो नहीं हो सकता आपको, ये जो आपको इस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम है थाँग जो, थाँग जो, जो भी आप सकते तो हैं तो, तो हम थाँग आपको थाँग दे देंगे जो लोग कहते हैं फीस ज्यादा है अफोर्ड नहीं कर सकते मीटिंग नहीं कर सकते उनके लिए हम मैंने ये सिलसिला शुरू की है तो इसलिए आप मैम को एक प्यार भी भेज सकते हैं शो के बाद मुझे भी थोड़ा सा और आप जो है क्वेश्चन वहां पर लिख दें आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह जवाब देंगे और टिकटॉक से मिहादर राजा को भी जाके देख लें वहाँ पर बहुत सारे वज़ाइफ मैंने डाले हुए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं बहुत सारी ना? हाई स्पीड वीडियोस भी होती हैं वो भी देखा करो हाँ <laughs> वो भी देखा करो भाई और उसको भी लाइक किया करो और वो लोग जो Instagram simikyani l w e m i k i a n i kyani simikyani है उसको फॉलो करें और जो लोग फॉलो नहीं करते और आके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो ऐसे काम नहीं करें अल्लाह को भी जवाब देना कि से आके <laughs> नहीं। नहीं काम नहीं करो क्योंकि जब आप फॉलो करते हैं हमें नोटिफिकेशन आती है तो आप फॉलो नहीं करते मगर आके आपको लगता है कि मैं आपके वहाँ सवालों के जवाब दूंगी ऐसा कुछ भी आने वाला नहीं है ठीक हो गया तो खुश रहें सलामत रहें अल्लाह ताला सबके मसाइल को हल करे परेशानियों को दूर करे दिल से आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और प्लीज़ आप भी मुझे मेरे बेटे को हैदर को दुआ में याद रखा करें थैंक यू सो मच इतना प्यार मान इज़्ज़त देने के लिए कोई गलती हो गई हो कोई बात बुरी लगी हो दिल से उसके लिए माजरत और अगर आपका टाइम लेती हूँ तो उसके लिए भी माजरत आप स्किप करके आगे जाके अपने स्टार के बारे में सुन लिया करें

आ, तो फिर जाहिर है जब चाहत बहुत ज़्यादा होती है तो फिर वो और आपको मेरी आदत का तो बहुत अच्छी तरह से पता हो, होगा कि मेरे साथ तो जो जितना भी नेगेटिव हो ना मुझे वो ज़्यादा चीज़ पुश करती है और ज़्यादा अच्छा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तो मुझे जो प्यार मोहब्बत भेजते हैं मैं उनको देखती हूँ नेगेटिव अगर दो चार पाँच छः आठ दस जितने भी लोग होते हैं मैं तरफ तो ध्यान भी नहीं देती और उनको देखती भी नहीं और आप भी अपनी ज़िंदगी में यही करें जो नेगेटिव लोग हैं उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दें ये जहनी बीमार लोग होते हैं और ये तर्स के काबिल होते हैं आ, इनकी बातों पर ना गुस्सा किया करें और ना इनको बुरा समझा करें और बस ऐसे लोगों से थोड़ा सा फासला थोड़ी सी दूरी जरूरी होती है आ, बाकी है कि जो इन्होंने करना है वो तो करना है आ, इनको तो अल्लाह ही मैं तो कहती हूँ अल्लाह हिदायत भी ना दी ऐसे ही रहेंगे फैलाते रहें बीमार रहें और हसर की आग में एक दिन जल के खुद ही खत्म हो जाते हैं और कुछ नहीं होता तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बाद जी, में जो लाइव में नहीं आते हैं, तो वो अगर कोई डोनेशन देना चाहे टोकन अफलाफ देना चाहे तो वहाँ एक लिखा होता है, उसके जरिए आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड ऐसी बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी सलामत रही है हमारी बहुत सारी दुआ वफा तो आपके दिलों को दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे तब तक के लिए